no issues. So in the last class we discussed up till Ramsar sites, है ना, यहां तक कर लिया था हमने. मैंने आपको बताया था जब भी कोई साइट पढ़नी है आपने तो इस तरह के नोट्स बनाने हैं. दिस वी डिस्कस ना, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड तक हमने कर लिया था. हाँ, तो जब भी आपने कोई साइट बनानी है तो कितनी साइट्स आपने देखी है, सर्च किया था आपने? हेलो चांदनी, मनप्रीत, डिड यू गाइस सर्च हाउ मेनी साइट्स ऑफ रामसर साइट्स आर करंटली देयर? 42, यस, गुड, दैट्स अ गुड नंबर. एक्चुअली देयर वर 27 अप टिल 2019, फिर 10 साइट्स इकट्ठी जुड़ी हैं, ठीक है, तो दैट नंबर गेव टू 37. फिर तीन चार और जुड़ी थी और फिर दो अभी पिछली अक्टूबर में जुड़ी है, यूपी में, शायद एक बिहार में है और एक कहीं और है, यूपी में है, ठीक है ना. तो टोटल साइट्स आर 42 इन नंबर, नॉट 43. ओके, गुड. सो सबका आपको लोकेशन पता होनी चाहिए. ये पुराने नोट्स हैं मेरे, तो इसमें मैंने अपडेट आई थिंक नहीं किया है. आई विल अपडेट इट, ठीक है ना. कल हम इसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थोड़ा सा जो नई इंक्लूड आई है रामसर साइट्स उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. लेकिन आज हमारा जो काम है, आज हमें पहले वो करना है. ओह सॉरी, उत्तराखंड. ओके शुभम, माय बैड. यूपी में पहले ऐड हुई है ना, पहले ऐड हुई है यूपी में. इन जो 10 ऐड हुई है उनमें से यूपी में भी है ना. तो अभी जो नई वाली आई है उसमें शायद उत्तराखंड है, नॉट श्योर. चलिए, तो ट्राई टू मेक योर नोट्स इन दिस फैशन. जब भी आपने एक पेज बनाना है ना, ये पेज को आपने अपने जहां पे स्टडी कर रहे हो तो वैसे आपने बना के रखना. लेट मी शो यू समथिंग गाइस. वैसे तो माय स्टडी टेबल इज वेरी कायोटिक. लेट मी जस्ट शो यू गाइस, दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी. ओके, एंड माय ड्रेसिंग टेबल इज देयर ऑपोजिट साइड, वो भी पूरा किताबों से भरा हुआ है और इस तरह की जो पर्चियां बनाई गई हैं. एंड दीज आर माई नोट्स, ठीक है ना. दीज आर नोट्स, सारा कुछ नोट्स में भरा पड़ा है. ओके, सो अगर आपको मैं दिखाऊं तो यू विल से कि सर यू आर सो अनटाइडी. एंड माई वाइफ यूजली सेज दिस कि तुम्हारा नहीं कुछ होने वाला. इतना गंद, इतना भरा होता है मेरा कमरा ना. बट आई यूज टू लिव लाइक दिस इवन आफ्टर मैरिज. चलिए, सम लाइट हार्टेड थिंग्स नाउ, लेट अस स्टार्ट इंपॉर्टेंट, ठीक. ओके, अरे यहाँ तो अभी ड्राइव, ये तो मेरा सामने सामने पड़ा है ना, इसलिए मैंने दिखा दिया. रूम दिखाऊंगा तो पत्नी से मार पड़ेगी. आई विल शो यू समटाइम्स, पूरा बनने दो अभी. I will show you something. Okay. So, let us discuss some notable sites in India. ठीक है. यहाँ पे जैसे wetland की में आप अभी हम जो पढ़ेंगे सारे mangroves, estuaries, tidal ports, क्या कहते हैं, creeks, lagoons, coral reefs, ये सारे कुछ wetlands में आते हैं. Okay. They all are classified. ओके हर, तो देयर आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ वेटलैंड्स, टाइप ऑफ वेटलैंड्स. ओके, सो अष्टामुड़ी लेक में एक नेचुरल बैक वाटर है, ठीक है जी, कोलम डिस्ट्रिक्ट्स में. तो ये कहाँ पे है, यू शुड नो दिस इन केरला, ठीक है ना. तो एस्चुरी विद सी एट निकांद्रा, है ना. तो डू लर्न समथिंग लाइक दिस, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना वो लिखा करो. अब जैसे भीतरकनिका ग्रुप्स है, जैसे ये लिखा हुआ है भीतरकनिका मैनग्रोव्स, ठीक है ना. तो ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में पाया जाता है. भीतरकनिका मैनग्रोव्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसको नेशनल पार्क का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है. इसी के अंदर, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इंक्लूड्स गहीर मत्था माइल्ड मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये बहुत बढ़िया वर्ड है, लेट मी हाईलाइट दिस, सॉरी लेट मी ड्रॉ दिस, गहीर मत्था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, ये ऑलिव रिडली टर्टल्स के नेस्टिंग साइट के रूप में जानी जाती है, ठीक है.
गहीरमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऋषिकुल्या क्या कहते हैं वाइल्ड मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दो है, मैंने आपको बताया। दोनों किस नदी के किनारे पाए जाते हैं? टेल मी दिस थिंग, दिस इज योर थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। ओके, ये यूपीएससी ने पूछा है इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब ये देखो मैंने आपको बताया कि आज से वही नोट बनाने हैं आपने, आपने क्या क्या इंक्लूड करना अपने नोट्स में। लेट मी राइट इट ओवर हियर। फर्स्ट थिंग यू नोटिस व्हाट टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इट इज, ठीक है ना। तो आपके पास नेशनल पार्क्स आते हैं, आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, आपके पास कंजर्वेशन रिजर्व्स आते हैं, आपके पास सेक्रेड ग्रूव्स आते हैं, आपके पास कम्युनिटी रिजर्व्स आते हैं, ठीक है ना, कम्युनिटी रिजर्व्स आते हैं। यू विल फाइंड मरीन सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है ना। ओके, यू विल ये इंक्लूड तो नहीं होता प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में, बट व्हाट काइंड ऑफ वेटलैंड इट इज, ठीक है ना। तो वेटलैंड में भी हमने देखना है कि किस प्रकार की वेटलैंड है, नेचुरल है या मैन मेड है। अगर वेटलैंड है तो वेटलैंड में आपके पास क्या ये मरीन वाटर है, ब्रैकिश वाटर है या फ्रेश वाटर है, लेंटिक है या लोटिक है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपना दिमाग को यूज करना सर। यस यस, वेरी गुड शिवम, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। डू इंक्लूड दीज टाइप ऑफ थिंग, जो मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्लासिफाई करो कि किस तरह का प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, ठीक है जी, क्या प्रोटेक्शन है। दूसरी बात, आपको मैं ये करवाऊंगा, अभी करवाया नहीं है मैंने कुछ, ये हम उसके हिसाब से मैंने आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन समझने। फर्स्ट क्लासिफाई, सेकेंड चीज व्हाट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में किस तरह से अगर आपको बोलो कि सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। आपको पता है इस बार क्वेश्चन आया था 2020 में नेशनल पार्क के ऊपर, सिंपल क्वेश्चन था कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन डू यू थिंक वी गेट इन ए नेशनल पार्क, डू द राइट्स ऑफ ट्राइबल एरिया पीपल आर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन दिस एरिया, व्हाट इज द बफर जोन, व्हाट इज द कोर जोन, व्हाट इज द नॉन हैबिटेबल जोन, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। इसी तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन निर्धारित करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कितनी किस चीज की छूट दी जाती है, इको टूरिज्म कहाँ पे हो सकता है कहाँ पे नहीं हो सकता है, ये चीजें। ओके, मेक सेंस, गुड एवरीवन, मेक सेंस, चले आगे। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज व्हाट इज द फ्लोरा एंड फौना ओवर देयर, यानी कि प्लांट और एनिमल की कौन सी प्रजातियां वहां पे पाई जाती हैं। जैसे कि आपको मैंने दिया कि बारहसिंगा ग्रासलैंड्स में पाया जाएगा, तो यू शुड नो कि इंडिया में ग्रासलैंड्स कहाँ होंगे, जहां पे पानी ज्यादा होगा या कम होगा। खुद सोचो, आज हमने जितना पढ़ा इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, व्हाट डू यू फील, इट इज ए इकोटोन एरिया, है ना, एवरीवन एग्रीज, इकोटोन एरिया है ना, गुड, इट्स एन इकोटोन एरिया, इट इज ए इकोटोन एरिया बिटवीन विच टू इकोसिस्टम्स, which two ecosystems desert and forest, good desert and forest, तो इस तरफ इसका forest आ गया, इस तरफ desert आ गया। now specify further, अब जितना मैं पढ़ा के आऊ ना, अब ध्यान से सुनो, forest किस तरह का forest होगा, क्या ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा, रेन फॉरेस्ट होगा, क्या ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट होगा, क्या ये ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट होगा या ट्रॉपिकल डेसीडियस ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट होगा। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डू यू थिंक ग्रासलैंड से पहले आता है, बताइए। क्या रेन फॉरेस्ट के बाद सीधा ग्रासलैंड आ सकता है, कुछ सोचो, नो, ठीक है ना। तो यू विल फाइंड, नो नो, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल फाइंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट,
ठीक है ना, वाई इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल देखो इस तरफ को कमी हो रही है ना, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना। बीच में आ गया ग्रासलैंड्स, है ना, तो व्हाट यू विल फाइंड हियर, डेजर्ट। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट, अब आपको इतना पढ़ा चुका हूं, आई डू एक्सपेक्ट सम गुड आंसर्स फ्रॉम यू। व्हाट काइंड ऑफ इकोसिस्टम वी विल फाइंड बिफोर वी फाइंड डेजर्ट हियर, व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट? व्हाट टाइप ऑफ, नॉट फॉरेस्ट, या वेरी गुड, थॉर्नी फॉरेस्ट, वेरी गुड गुड, मेक सेंस, देन इट विल बी अ डेजर्ट। ओके, एरिड और सेमी एरिड एरियाज होते हैं ना, ये सेमी एरिड एरिया पहले आएगा, एंड देन इट विल बी एन एरिड एरिया, श्रब्स। यस, मेक सेंस, एवरीवन अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? नाउ इफ यू आर इन अ ग्रास लैंड, what kind of animals you will see over here? The answer बताओ आप, क्या animals होंगे? herbivores होंगे ज्यादा, deer होंगे, will you find sheep over here? No, make sense है ना? Will you find yak over here? Will you find hangul over here? No. Angul is a kind of antelope, and there is a distinct difference between antelope and a deer. ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है ना? तो ये यहां तक पूछती है यूपीएससी, ठीक है ना? चलो, apart from what kind of animals and plants we are there, हमने डिस्कस कर लिया, मोटा मोटा आइडिया होना शुरू हो गया अब आपको। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, अगर मैं बात कर रहा हूँ एक तेराई इकोसिस्टम की, मार्शी एरियाज की, ठीक है ना, आज हम पढ़ेंगे भी मार्शी एरियाज क्या होते हैं, तेराई इकोसिस्टम की, वेयर यू विल फाइंड तेराई इकोसिस्टम इन इंडिया, तेराई तेराई यू विल फाइंड तेराई इकोसिस्टम्स इन अपर पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। वो याद है हमने एक लाइन सी करी थी, ये वाली मैंने बताया था, ये हिमाचल है, ये आपका, सॉरी हिमाचल नहीं, ये आपका हिमालयस है, वहां से नीचे आ रही है कोई नदी, तो एक जगह पे ऐसी आएगी जहां पे बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी बब्बर, उसके बाद जहां से बाहर को निकलेगी, ठीक है ना, तो वहां पे दलदली सा आपको मिलने देखने को मिला, स्वाम्पी एरिया देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है, मेक सेंस, गुड। ओके गुड, तो वहां पे कौन से प्रजातियां पाई जाएंगी, तो ये डिफरेंट तरह के आपको फ्लोरा एंड फौना के बारे में कोरिलेशन पता होने चाहिए। तीसरी, चौथी बात आपको क्या करना है, अगर आपने कोई एनिमल और प्लांट पढ़ा है, प्लांट तो छोड़ो, एनिमल ज्यादा जरूरी होता है, अगर कोई प्लांट एनिमल पढ़ा है तो उसका व्हाट इज द IUCN स्टेटस, तीन चीजें याद करनी, IUCN स्टेटस, ठीक है, साइट स्टेटस एंड WPA स्टेटस, एंड इफ पॉसिबल वी विल आल्सो डू विद ट्रैफिक, बट अभी के लिए ये तीन करने के शुरू करो, ठीक है ना, ये तीन चीजें ढूंढनी शुरू करो। कोई भी अखबार पढ़ रहे हो आप रेगुलरली, कोई भी एनालिसिस पढ़ रहे हो रेगुलरली, टू गो फॉर व्हाट टाइप ऑफ एनिमल, अगर कोई मेंशन किया गया है याद में, कोई न्यूज में आया, जैसे गंगेटिक डॉल्फिन्स, इरावादी डॉल्फिन्स, ठीक है ना, ये अभी ऑलिव रिडली टर्टल्स, अभी मैंने आपको बताया ऑलिव रिडली टर्टल्स, मैंने आपको कल भी बताया था कि चार प्रकार के क्रोकोडाइल्स, सॉरी चार प्रकार के टॉर्टोइस आर टर्टल्स आर इंडिजिनस टू इंडिया, व्हाट आर दोस फोर टाइप्स ऑफ टर्टल्स, ढूंढो उनका व्हाट आर, व्हाट इज IUCN स्टेटस, साइट स्टेटस, WPA स्टेटस, ये वाले जो नोट्स बना रही है, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, ओके, यू नीड टू मेक इट एज ए सेपरेट थिंग, ठीक है ना। अब आप बोलो सर मैं लिख ही जाऊंगा, इस तरह से नोट बनाऊंगा कि मैं लिखता ही रहूं, नो, ये दिख रहे हैं आपको नोट्स, इसी तरह के नोट्स बनाने आपने, कोई भी साइट है, अगर जैसे साइट्स के बारे में लिख रहे हो, रामसर साइट्स है, कोई नेट पे जाओ, विकीपीडिया में सीधे क्वेश्चन उठाए जाते हैं विकीपीडिया पे, ठीक है ना, गो एंड टाइप भितरकनिका मैनग्रोव्स, द फर्स्ट पेज यू विल सी ऑफ विकीपीडिया, गो एंड सर्च ओवर देयर,
ठीक है ना, कि क्या चल रहा है. इफ यू डोंट फाइंड दैट, सेकेंड थिंग टाइप करो भीतर कनिंगा मैनग्रोव यूपीएससी, पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा. ठीक है ना, तो कोई भी लेटेस्ट न्यूज आई है तो वो डेट देख लेना, पढ़ लेना, इतना दिमाग आपका चलना चाहिए. वेरी गुड हरमन. ऑलिव रिडली, ग्रीन हेड, लॉगर हेड, लेदर बैक, ये चार टाइप के टर्टल्स होते हैं. थैंक्स हरमन फॉर शेयरिंग दिस. दीज आर इंडिजिनस टू इंडिया. व्हाट आर देयर साइट्स एज वेल एज IUCN status and which dual of WPA includes these turtles? Okay, dual कौन सा, वन या टू, चेक करना. ठीक है, हर एक का चेक करना. अब आप बोलो सर इसको रिवाइज कैसे करना, जैसे ये रखा हुआ है पर्चियां बना बना. गो एंड मेक ए पर्ची, ऑलिव रिडली टर्टल स्टेटस, साइट स्टेटस, और अपने कमरे जहां पढ़ रहे हो वहां लगा दो, क्या ठीक है ना, और रोज उसको देखो, फोटो देखो उसकी, ताकि आपको याद रहे अच्छा ये इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है. ओके, सिमिलरली गोज फॉर ये जो मैं अभी आपके नोट्स बना रहा हूँ, सिर्फ इस तरह से नोट्स बनाने हैं, तीन तीन चार चार इंपॉर्टेंट चीजें. अच्छा, एक चार चीजें हो गई थी ना, हमने चार चीजें डिस्कस की थी. फिफ्थ थिंग दैट यू ट्राई टू नोट डाउन इज व्हाट इज इट्स ज्योग्राफी. ओके, अच्छा, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई डियर है, ठीक है ना, हंगोल डियर है, या ये जो है, तो उसमें अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे हो, आप कोई नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे हो, ट्राई टू फाइंड व्हाट काइंड ऑफ रिवर्स ट्रवर्स दोस टोपोग्राफी. ओके, कौन सी रिवर्स उसके अंदर से गुजरती है. अच्छा, जैसे कि अभी उन्होंने उसके केरला के बारे में पूछा था, पेरियार रिवर थी, पता नहीं कौन सी रिवर थी साउथ इंडिया में, आई थिंक इट वॉज पेनार और कैरिया, नॉट पेनार, इट वॉज पेरियार आई थिंक, पेरियार. चार चार जो है ब्रांचेस हैं पेरियार रिवर, तो पेरियार रिवर कौन से, यू नो दे ट्रावर्स थ्रू आई थिंक योशोला फॉरेस्ट है ना, तो जो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वहां से एक गुजरती है, ठीक है ना, पेरियार है ना. तो व्हाट काइंड मतलब ये कौन से यू नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहां पे, या नेशनल पार्क है वहां पे जहां से गुजरती है ये. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट विच रिवुलेट पासिस थ्रू, विच रिवर पासिस थ्रू दैट नेशनल पार्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बहुत बार पूछा गया है. इसके बाद जब मैं नेक्स्ट आपको करवा रहा हूं, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड वी विल डील विद द, देन आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद इंडियन फिजियोग्राफी. ओके, इंडियन फिजियोग्राफी बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि उसमें सारी रिवर्स, सारे माउंटेन, सारे फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया मैं करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि दैट इज नेसेसरी फॉर एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट. ओके, गुड, मेक सेंस. तो ये पांच चीजों का आपने बहुत 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 ध्यान रखना है, ठीक है ना. जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो ट्राई टू थिंक ऑन दीज लाइंस, ठीक है ना, गुड. चले आगे. सिमिलरली क्रॉक, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है ना, और ऑलिव रिडली टर्टल्स, ठीक है ना, ट्राई टू फाइंड समथिंग ओवर देयर. ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, चलो कहाँ चलो सर, कहाँ चलना बताइए आप, मनीष कुमार. ओके, चलो चल आगे चलते हैं फिर. नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, पॉइंट कैलेमियर कहाँ पे है, ट्राई टू एक मैप बनाओ, जैसे मैंने आपको बताया था इस तरह का मैप होगा, नेट पे जाओ, इट इज इजीली अवेलेबल ओवर देयर. ये तो NWCP साइट्स का ना, रामसर साइट्स इन इंडिया, नेट पे डालो, एक मैप होगा वो लो, और अपने साथ में जहां पे बैठते हो वहां चिपका, ठीक है जी, गुड. तो उसको देखो, निहारो रोज रोज, ठीक है ना. तो आपके कमरे में अगर ऋतिक रोशन की फोटो लगी हुई है, सिक्स पैक सैब वाली, उसको उतारो, वहां पे ये चीजें रखो, ये ज्यादा सुंदर है, ये पेपर में ज्यादा हेल्प करेगी. ऋतिक रोशन आपकी हेल्प नहीं करने आएगा, ठीक है ना, कृष्ण बन के, दीज विल हेल्प. ओके, तो ट्राई टू सुपर इम्पोज, ठीक है ना, कैसे, जैसे मैंने आपको कराया था फॉरेस्ट वाला मैप है ना, यहाँ तक है ट्रॉपिकल डाई डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या है
मॉइस्ट फॉरेस्ट है ना, तो यहाँ पे क्या है इस तरह का वो, जो मैप मैंने आपको करवाया था एनसीईआरटी से, ठीक है ना, ट्राई टू फॉर्म, उसके साथ में बताओ कि भाई अगर ये यहाँ से लाइन पास कर रही है तो यहाँ पे ये वाला क्लाइमेट होगा, यहाँ पे ये वाला क्लाइमेट होगा, यहाँ पे ये वाला इको टोन होगा, है ना, ट्राई टू डू इट दैट। फर्दरिंग फर्दर आगे चलते हैं हम, इसी तरह आपको ये सारी करनी है, लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है, लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सोमरीरी लेक कहाँ पे है, ठीक है ना, तो रामसर साइट्स, ये देखो ग्रेट टिबेटियन शीप, टिबेटियन वाइल्ड एस, दे आर फाउंड इन सोमरारी लेक, ओके। फ्रेश वाटर टू ब्रैकिश वाटर लेक, किस तरह का लेक है वो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, ओके। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज फुलार लेक, ब्रैकिश वाटर लेक इज शिल्का। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, लार्जेस्ट रामसर साइट्स कौन कौन सी है इंडिया में, जस्ट टेक ए लुक आउट, सुंदरबन वेटलैंड्स, मैनग्रोव, जो सुंदरबन मैनग्रोव्स एंड दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट, देन कम्स वेनबदा, देन कम्स चिलिका, स्मॉलेस्ट कौन सी है, रेणुका झील, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है, कांजली लेक पंजाब में, ठीक है जी, दे आर द स्मॉलेस्ट। न्यूवेस्ट कौन कौन सी है, ये तो 2019 की फिगर है जब मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी, लेट मी फाइंड यू द लेटेस्ट डाटा, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दोस, ओके। सो फर्दरिंग आगे चलते हुए लेट अस डिस्कस व्हाट इज वेटलैंड, ओके। वेटलैंड दो तरह की होती है, इनलैंड वेटलैंड्स एंड कोस्टल वेटलैंड्स। कोस्टल मतलब जो तटीय क्षेत्र है हमारे, ठीक है ना, वहां पे जो वेटलैंड्स होएगी वी विल कॉल दैट एज कोस्टल वेटलैंड्स। जो अंदर की तरफ है, कॉन्टिनेंट की तरफ है, अंदर की तरफ है, जैसे कि सोमरारी, जैसे कि वुलार लेक, जैसे कि पंजाब में जितनी है, दे ऑल आर इनलैंड वेटलैंड्स। गुड, मेक सेंस। पुरानी ये वाली ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। गुड, उत्तरा चले। सो इनमें भी आगे हमने डिवाइड करना है, नेचुरल और मैनमेड कौन सा है, नेचुरल और मैनमेड कौन सा है, ठीक है ना, ओके गुड। नाउ एक चीज बताओ मेरे को, आपने साल्ट पैंस के बारे में सुना होगा, जहां से नमक पानी से निकाला जाता है, यू नो, है ना, एवरीवन बताइए, गुड गुड गुड, है ना, जहां से साल्ट वाटर से निकाला जाता है, साल्ट पैंस, है ना, तो आपने देखा होगा ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, सारा साल्ट कहाँ से आता है आपका बताइए, गुजरात, वेरी गुड शना, और कच्छ, यस कच्छ एरिया में बहुत ज्यादा आता है। वहां पे क्या किया जाता है, क्योंकि वहां पे बेसिकली है क्या, वहां पे क्रीक्स होती हैं, अगर आप देखो सर क्रीक और वो सारी क्रीक्स जो हमारी बाउंड्री भी बनाती है पाकिस्तान के साथ में, वहां पे ना सी वाटर को अंदर, यहाँ पे अगर सी वाटर है तो सी वाटर को अंदर लाया जाता है पहले क्यारियां काट के यहाँ पे एरिया में, ठीक है ना, उस पानी को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है ना, नाउ उस पानी को इकट्ठा किया जाता है 18 फुट 18 इंच तक, 18 इंच से ऊपर पानी इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि गुजरात इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, वहां पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन पास करती है, ठीक है ना, 23 डिग्री हाफ एंड हाफ नॉर्थ एंड साउथ, है ना, तो 20 डिग्री नॉर्थ में आपकी वो लाइन पास करती है, तो वहां पे गर्मी बहुत होती है, इवेपो ट्रांसपीरेशन बहुत होता है, ठीक है ना, तो धीरे, क्योंकि अब ये साल्ट वाटर है तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर है तो इसमें साल्ट वाटर की, साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, तो क्या किया जाता है, पानी को धीरे धीरे करके सुखाया जाता है, ठीक है ना, जब वेपो ट्रांसपीरेशन होती है तो नीचे क्रिस्टल के फॉर्म में आपको नमक बना दिखता है, वो आपका नमक अभी खाने वाला नहीं है, तो फिर भी उसको लिया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्रीज में, ठीक है ना, तो साल्ट पैन इज ए काइंड ऑफ मैनमेड कोस्टल वेटलैंड, ओके, मेक सेंस, ठीक है, लग गई समझना, कि अपने आप तो नहीं ना बना, हमने बनाया है, ठीक
ठीक है, तो ये मैनमेड इसलिए है, ये है एक तरह का वेटलैंड ही। और कौन सा वेटलैंड है? कोस्टल वेटलैंड है, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र में ही पाया जाएगा, आपके अंदर नहीं पाया जाएगा। हिमाचल में नहीं देखने को आपको मिलेगा, या पंजाब में देखने को नहीं मिलेगा या, ठीक है। एक्वा कल्चर आप सबने सुना होगा, ठीक है ना, क्या होता है एक्वा कल्चर, ठीक है। तो जो भी है, चाहे पीसी, ये आगे कितने तरह के होते हैं, पीसी कल्चर होता है आपका, कोरल कल्चर होता है आपका, सी फूड जो सारे हम उगाते हैं, ठीक है ना, वो सारा आपको एक्वा कल्चर से मिलता है ना, तो ये भी मैन मेड है, दैट्स मेक सेंस, है ना, दीज आर मैन मेड। नाउ ऑल ऑफ दीज हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस। नाउ ध्यान से सुनो, लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ओके। नाउ ध्यान से सुनो, ये वाला और ये वाला, ठीक नेचुरल में, इन टर्म्स ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे आपको कोस्टल एरिया में ये पाया जाएगा। टेल मी समथिंग अबाउट इट्स सैलिनिटी एंड टेल मी सैलिनिटी ऑफ दिस आल्सो। क्या आपको दिख रहा है, क्या अंतर दिखेगा ब्रॉडली, आप मेरे को ये बताइए। गुड गुड गुड। तो ये नेचुरल जो आपको देखने, जो तटीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी ओशन के साथ में प्रॉक्सिमिटी है, ठीक है ना, ओशन या सी वाटर के साथ में प्रॉक्सिमिटी है। प्रॉक्सिमिटी मतलब ये साथ में पाया जाता है ओशन के, इस कारणवश क्या होगा कि ये सारे के सारे जितने भी हमारे हैं कोस्टल, ये कोस्टल वेटलैंड्स है, जो नेचुरल कोस्टल वेटलैंड्स है, दे वुड हैव हाई सैलिनिटी कंटेंट, मेक सेंस, या आप इसको ब्रैकिश वाटर बोल सकते हो, है ना, ब्रैकिश वाटर, मेक सेंस, जहां पे आपका फ्रेश वाटर भी आ रहा है और दूसरा आके मिल के आपके पास आ रहा है। नाउ इफ देयर इज हाई सैलिनिटी कंटेंट, या वेरी करता हो जिसका कंटेंट, खास करके एस्चुरी अगर आप देखते हो, बैक वाटर देखते हो, टाइडल फ्लैट्स और मैनग्रोव्स की बात करते हो, साल्ट मार्शेस की बात करते हो, इनका कंटेंट दिन में दो दो तीन तीन बार वेरी करता है। क्यों? क्योंकि टाइड्स के साथ जैसे अंदर पानी बहाव आएगा तो उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, जब वो वापस चल जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन और चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। वॉट काइंड ऑफ एनिमल यू विल फाइंड ओवर हियर? इन टर्म्स ऑफ सैलिनिटी क्या, कौन सा दिखने को मिलेगा? एम आस्किंग इन टर्म्स ऑफ स्टीनोहेलाइन एंड यूरीहेलाइन, बताइए। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। फिशेस तो देखने को मिलेंगी, बट आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टीनोहेलाइन और यूरीहेलाइन। आंसर इज, बताइए, स्टीनो, ऑल एग्री, ऑल एग्री, सिर्फ दो बच्चे एग्री हैं, तीन हेलो, आवाज सुन पा रहे हो बेटा मेरी? हेलो हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो स्टीनो हेलाइन और यूरी हेलाइन, ठीक है, द आंसर इज नॉट स्टीनो, इट्स यूरी हेलाइन, ठीक है। दे कैन टॉलरेट ग्रेटर वेरिएशंस इन सैलिनिटी कंटेंट, ओके, सैलिनिटी कंटेंट को ज्यादा ये स्पीसीज जो होंगी ये ज्यादा आपको झेल पाएंगी, ठीक है, सैलिनिटी कंटेंट को, ओके, टेम्परेचर वेरिएशंस को, सैलिनिटी कंटेंट को, दे दैट इज व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स, ओके।
ओके मेक सेंस, गुड. व्हाट विल बी स्टीनो अलाइन? दीज आर स्टीनो अलाइन. व्हाई दे आर स्टीनो अलाइन? बिकॉज क्योंकि ये अंदर है, ठीक है ना, काफी अंदर है कॉन्टिनेंट्स के, ठीक है ना. तो लेक्स, ऑक्सबो लेक्स, वाटर लॉग, सीजनल, स्वाम्पी, मारिश, पीट्स, बॉग्स, जितने भी आज हम पढ़ेंगे, पीट्स, बॉग्स, ये सारे, ठीक है ना. दे ऑल आर नेचुरल इनलैंड वेटलैंड्स एंड दे ऑल आर फ्रेश वाटर. मोस्टली दे आर फ्रेश वाटर, नॉट ऑल बट मोस्टली दे आर फ्रेश वाटर. देयर वी फाइंड ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्टीनोहेलाइन ऑर्गेनिजम्स, जो अपनी बॉडी का सैलिनिटी कंटेंट ज्यादा टाइम वेरी नहीं कर सकते हैं, बहुत कम टाइम पे, बहुत कम रेंज में वेरी कर सकते हैं. मेक सेंस? गुड. चले आगे. दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग टू नो. ओके, व्हाट एल्स वाज देयर? या दैट कवर्स मोस्ट ऑफ इट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद फ्रेश वाटर इनलैंड वेटलैंड्स. ओके, तो मार्श ये होता है और ये स्वैम्पी एरिया. क्या दिख रहा है आपको डिफरेंस इसमें, मार्श में और स्वैम्प में? मोटा मोटा बताइए क्या दिख रहा है पिक्चर्स को लेके आपको सामने. पानी दोनों जगह इकट्ठा है, ठीक है ना, पानी मत बोलना. और क्या डिफरेंस है? ट्रीज. यस, तो ट्रीज आर ए डोमिनेंट सेट ऑफ वेजिटेशन इन ए स्वाम्पी एरिया. ओके, एंड मार्शेज आर द डोमिनेंट सेट ऑफ वेजिटेशन इन ए, इसमें कौन से है? ग्रासलैंड्स, बड़े बड़े ग्रासेस लगे होते, ठीक है. पानी ज्यादा भरा है फिर भी, ठीक है ना, पानी ज्यादा भरा हुआ है, पानी ज्यादा दिख रहा है, बीच बीच में आपको ग्रासेस देखने को मिलते हैं. डिड यू फाइंड दिस काइंड ऑफ एरिया व्हेन यू आर क्लोज टू अ रिवर? हैव यू एवर गोन टू ब्यास, सतलुज, या कोई भी, आपने अगर पंजाब या कोस्टल एरिया, सॉरी प्लेन एरियाज में अगर आप जाते हो, गंगा रवि जहां पे जा रहे हो, उसके साथ साथ में अगर आप देख रहे हो फ्लड प्लेन एरिया में, ऐसे ऐसे करके कुछ पानी भी होता है और थोड़े घास भी उगा होता है बीच में, दैट इज मार्शी एरिया, ठीक है. दे आर नॉट स्वाम्प्स, दे आर मार्शी एरियाज. गुड गुड, सेंस लगा समझ कुछ? तो मार्शी एरियाज क्या होता है हमारे पास? इज अ वेटलैंड दैट इज डोमिनेट बाय हर्बेशियस रेदर देन वुडी प्लांट स्पीसीज. तो वुडी प्लांट स्पीसीज यहाँ पे नहीं होती मार्श और स्वाम्प में. द बिगेस्ट डिफरेंस इज दैट वेटलैंड्स, मार्श इज अ वेटलैंड दैट इज डोमिनेटेड बाय हर्बेशियस रेदर देन वुडी प्लांट्स. ओके, मार्शेस कैन ऑफन बी फाउंड एट द एजेस ऑफ लेक्स एंड स्ट्रीम्स. देखा, स्ट्रीम्स और लेक्स के अराउंड आपको ये ज्यादा चीज, ये वाली चीज देखने को मिलेगी. दैट्स वाई मैं आई सेड यू कि रिवर या उसकी स्ट्रीम के अराउंड आपको ये चीज देखने को मिलेगी, मार्शी एरिया देखने को मिलेगा. या लेक्स के अराउंड आपने कभी कोई लेक गए हो तो लेक्स के जो साइड में बाउंड्री होती है तो वहां पे आपको ये चीज देखने को ज्यादा मिलेगी. ओके चले आगे. गुड, सो इन व्हाट एल्स इज देयर? ट्रांजिशन बिटवीन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, दैट मेक सेंस. देयर आर ऑफन डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, रशेस एंड रीड्स. दीज आर द डोमिनेट वेजिटेशन वी फाइंड इन मार्शेस, ठीक है ना. ओके, दे आर रिच इन नॉन वुडी प्लांट सच एज कटेल, सेजेस एंड ग्रासेस. ग्रासेस ही होते हैं, सारी टाइप ऑफ ग्रासेस ही हैं. दे कैन बी परमानेंटली और सीजनली वेट, ठीक है ना. तो सीजनली वेट का क्या मतलब हुआ? जहाँ कि यहाँ पे रेनफॉल भी होती है. वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर मार्शेस इज सीजनल, सीजनल रेनफॉल. ओके मेक सेंस, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं फिर. नाउ इफ यू सी क्लियरली ऑफ हियर, एयर वेयर द सॉइल इज पीरियोडिकली और परमानेंटली फ्लडेड विद वाटर डोमिनेटेड बाय सॉफ्ट स्टेम्ड ग्रासेस एंड हैव शैलो वाटर. शैलो वाटर मतलब बहुत गहराई वाला पानी यहाँ पे नहीं होता है, पानी ऊपर ऊपर ही होता है, ठीक है ना. गुड, चल आगे चलते हैं. एंड दैट दे आर मार्शी प्लांट्स, यहाँ पे ज्यादा देखने को पड़ेंगे. यहाँ पे कटेल्स, ये देखो ग्रास दिख रहा है आपको, बर्वीड्स, रशेस, वाटर लिलीज, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे. ग्रीन हेरोन एक
टाइप का बर्ड स्पीसीज है जो यहाँ पे पाया जाता है इन दीज मार्शी एरियाज। नाउ यू विल सी अनदर थिंग, यू विल सी दैट ये जो ये वाले है डक्स हैं, या ये जो आपको हेरॉन्स हैं, या वाइट ट्रम्पट क्या कहते हैं केल्स हैं, ये सारे ठीक है ना, ये जो सारे प्रजातियां हम पढ़ेंगे बर्ड्स की, यहाँ पे आपको देखने को ज्यादा मिलती है ठीक है ना, इन ग्रास लैंड इकोसिस्टम, नॉट इन स्वाम्पी एरिया। स्वाम्पी एरिया में कुछ डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी होगी एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। ओके गुड, जो स्वाप है वो भी हमने अभी डिस्कस कर लिया, जो कि फॉरेस्टेड एरिया में वेटरलैंड होता है तो हम उसको स्वाम्पी एरिया बोलते हैं, स्वाम्प्स ठीक है ना। तो स्वाम्पी डियर आपने सुना होगा, स्वाम्प डियर, वेयर यू विल फाइंड दिस, गो एंड सर्च, दिस इज योर होमवर्क ठीक है ना, वेयर यू विल फाइंड स्वाम्पी एरियाज इन इंडिया एंड वेयर यू विल फाइंड स्वाम्प डियर, विच नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में वो चीज आती है। वेरी गुड, वेरी गुड हरमन, और सर्च करो इसको थोड़ा ठीक है। मैनी स्वाम्प अकर्स ओवर लार्ज रिवर्स वेयर दे आर क्रिटिकली डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल वाटर लेवल फ्लक्चुएशंस। तो वाटर लेवल फ्लक्चुएशन के लिए जाना जाता है, मैंने आपको वेटलैंड की जब डेफिनेशन कराई थी तब भी मैंने ये करवाया था कि जो स्वाम्पी एरियाज होते हैं दे आर करेक्टरिस्टिकली जो भी वेटलैंड एरिया, खास करके नॉट ओनली स्वाम्प एरिया, वेटलैंड एरिया की एक जनरल डेफिनेशन है कि पानी वहां पे परमानेंट या टेम्परेरी भी खड़ा हो सकता है ठीक है ना। तो वाटर लेवल फ्लक्चुएशन जो सबसे ज्यादा होती है वो वेटलैंड्स में होती है। ओके, कौन से वेटलैंड में सबसे ज्यादा होती हैं? यू विल फाइंड दैट इन टाइडल फ्लैट्स एंड मैनग्रोव्स, हम पढ़ेंगे दोनों के बारे में। टाइडल फ्लैट्स एंड मैनग्रोव्स में सबसे ज्यादा वेरिएशंस आती हैं पानी के लेवल में। ओके चलिए, तो कहाँ पे पाया जाएगा? लार्ज रिवर्स है वहां पे पाया जाएगा, दे आर क्रिटिकली डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल वाटर लेवल फ्लक्चुएशंस। यू विल सी, लेट मी चेक यू, या दिस इज दैट, तो फ्रेश वाटर, नो दिस 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 ये हो गया, हाँ। स्वाम्पी एरिया अकर ऑन फ्लैट, फ्लैट जहां पे एरिया है, पुअरली ड्रेन्ड एरिया है, पुअरली ड्रेन्ड मतलब ऑफन नियर द स्ट्रीम्स, स्वाम्प्स आर डोमिनेटेड बाय वुडी श्रब्स और वाटर लविंग ट्रीज। वाटर लविंग ट्रीज कौन से होते हैं? जैसे सुंदरी ट्री होता है ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट इन विच द स्वाम्प्स आर लोकेटेड। मैनग्रोव स्वाम्प्स, ये मैनग्रोव भी एक तरह के स्वाम्प्स ही हैं, दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ स्वाम्प्स। गुड, मेक सेंस? तो स्वाम्प की फर्दर क्लासिफिकेशन मैनग्रोव्स हैं, तो दे अकर इन दी वार्म लैटिट्यूड नियर द ओशन, सो दे आर वाटर इज साल्टी, मेक सेंस? तो स्वाम्प्स तो हैं वो बहुत लैटिट्यूड वाइज वेरी करते हैं, अगर ये टेम्परेट रीजन में है तो वी विल कॉल दैट एज स्वाम्प्स ठीक है, इफ दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एरिया वी विल कॉल दैट एज मैनग्रोव्स। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में अगर ये पाए जाते हैं स्वाम्प्स तो वी विल कॉल दैट एज मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है क्योंकि स्वाम्प में यूजली फ्रेश वाटर रिवर होती है, मैनग्रोव्स में ब्रैकिश वाटर होता है, ये दो डिफरेंस याद करना। डन, एंड दे आर मोस्टली कोस्टल आल्सो, कोस्टल एरियाज में ये ज्यादा पाए जाते हैं, एंड देयर स्वाम्प्स जो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं वो ज्यादा इनलैंड में पाए जाते हैं, मेक सेंस? ओके, तो मैनग्रोव्स जब हम पढ़ेंगे आगे जाके दे आर द स्पेशल केस ऑफ स्वाम्प्स ठीक है ना। गुड, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन जनरली सेम है, पानी खड़ा हो रहा है और वहां पे दरख्त हो, दोनों में ये होएंगे, मैनग्रोव्स में भी यही होगा स्वाम्प में भी होगा, पर स्वाम्प जो है वो हम यूजली यूज करते हैं टेम्परेट रीजन्स में, यानी कि नॉर्दर्न अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, नॉर्दर्न यूरोप हो गया, सारे का सारा जो वहां पे है, और यहाँ पे ज्यादा हम यूज करते हैं स्वाम्पी एरियाज के बारे में ठीक है ना। बट अगर हम ट्रॉपिकल एरिया में आ जाए, इंडिया में आ जाए, तो वी विल कॉल दैट एज मैनग्रोव्स, और मोस्टली मैनग्रोव्स दे आर फाउंड अराउंड द कोस्टल एरियाज, दीज आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज, दीज आर यूजली फाउंड इन इनलैंड
वेटलैंड्स। ओके मेक सेंस। कोस्टल और इनलैंड के बारे में भी हमने बात किया। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू फॉलो दिस थिंग स्टूडेंट्स? लगा पता? गुड गुड गुड। नाउ वी मूव ऑन फर्दर। फ्रेश वाटर स्वाम्प्स आर द आइडियल हैबिटेट फॉर मैनी एम्फीबियंस। ओके एम्फीबियंस बहुत पाए जाएंगे सच एज फ्रॉग्स एंड सेलेमेंडर्स बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअसली मॉइस्ट एनवायरमेंट। दे आल्सो अट्रैक्ट बर्ड्स सच एज वुड डक्स दैट नेस्ट ऑन होलो ट्रीज। ठीक है ना। रेप्टाइल्स भी यहाँ पे बहुत पाए जाएंगे, एलिगेटर्स या क्रोकोडाइल्स, आपने देखा होगा क्रोकोडाइल्स यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, इस एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना। दैट इज वाई यू नीड टू स्टडी वेयर आर द मैनग्रोव्स, वेयर आर द स्वाम्प। ओके मेक सेंस। ओके 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 ओके। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल मूव फर्दर। Just a sec. Now, if I give you some question, okay, मैंने ये लाइन पढ़ाने का क्या मतलब था? Now, if you say ये स्वाम्प में अभी फ्रेश वाटर किया, ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, एंड इन ऑप्शंस देयर आर टू ऑप्शंस ओनली, आई जस्ट गिव यू टू ऑप्शंस, स्वाम्प एंड मैनग्रोव्स, वेयर यू विल। दैट्स गुड, दैट्स सो गुड। क्वेश्चन भी नहीं पूछने देते यार तुम तो। यस, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल वेयर यू फाउंड इन ए मैनग्रोव, ये क्वेश्चन आया था पेपर में। नाउ इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके व्हाई साल्ट वाटर, जहां पे नाम आ गया आपको पता लग गया देयर विल नॉट बी ए स्वाम्प एरिया। ओके टू थिंग, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज इंडिजिनस टू इंडिया, तो दैट इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, दैट मीन्स मैनग्रोव शुड बी द आंसर, दैट शुड। दूसरी बात ये भी है कि स्वाम्प एरिया में फ्रेश वाटर ज्यादा आता है। ओके मेक सेंस। नाउ विच मैनग्रोव यू विल फाइंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, दैट्स अ वेरी भीतरकनिका, आज ही पढ़ के आए हमने, ठीक है ना, पढ़ा ना आज ही हमने भीतरकनिका मैनग्रोव्स साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। नाउ यू अंडरस्टैंड, कनेक्ट किया करो इस तरह से, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ पे पाया जाएगा? जहां पे कोस्टल एरियाज होंगे, ठीक है ना, कोस्टल एरियाज होंगे, क्योंकि ये मैनग्रोव है, मैनग्रोव स्पेशल केस ऑफ स्वाम्प है, ठीक है ना। मैनग्रोव है तो कौन सा मैनग्रोव है? अगर आप देखो जो मोस्टली दे आर ऑन द ईस्ट कोस्ट, तो आप देखोगे कि गुजरात में भी है वैसे, बट वी विल फाइंड मोस्टली दे आर इन द उड़ीसा स्टेट, है ना। ओके तो यू विल फाइंड दिस मैनग्रोव्स, भीतरकनिका मैनग्रोव्स इन उड़ीसा। ओके गहेर मथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो कितने कंसेप्ट जुड़ रहे हैं। दिस वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड, that swamp sorry salt water crocodile you will found on which habitat, theek hai na, to habitat pucha gaya tha, habitat matlab kis tarah ke wahan pe area mein aapko ye milega, to wahan pe creeks bhi diya hua tha, bogs bhi diya hua tha, peat bhi diya hua tha, sorry peat nahi, ye mangroves bhi diya hua tha, theek hai na, to you should know that is found, it is indigenous to this particular part population। Okay, where else you find saltwater crocodile? Sundarbans, good। Now, अगर मैं UPSC का एक examiner हूँ, ठीक है ना, I will also include which river? Make sense? तो Mahanadi Delta, okay? तो अब आपको geography भी पूरी आनी चाहिए, that's why I will teach you इंडियन फिजियोग्राफी टू बी वेरी पर्टिकुलर। ओके तो कौन सी रिवर पास करती है वहां से,
कौन सा डेल्टा है वहां पे, कौन सा नेशनल पार्क है वहां पे, दीज थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। कुछ जुड़ रहा है आजकल जो हमने पढ़ा, ये स्वाम्प कराने का पीछे आपको ये कारण कराना था कि कई बार यूपीएससी सीधा पूछ लेती है, तो यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना यू विल फाउंड ओवर हियर। डस अब फ्रॉग यहाँ पे पाए जाएंगे कि नहीं, अब यू शुड नो कि फ्रॉग्स होंगे, रेप्टाइल्स भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे, है ना, तो सेलामेंडर्स भी होंगे, तो ये सारे एलिगेटर्स या क्रोकोडाइल्स भी होंगे, तो ये सारे आपको यहाँ पे पाने को मिलेंगे। इफ यू सम हाउ दे हैव रिटन समथिंग लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज ये ज्यादा जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस है दे आर मोस्टली फाउंड इन स्वाम्पी मार्शी एरियाज। ओके, स्वाम्पी नहीं, मार्शी भी नहीं, दे आर नॉट मार्शी बट स्वाम्प एरियाज। आपने देखा होगा कभी एलिगेटर की कोई मूवी देखी हो या क्रोकोडाइल की कोई मूवी देखी हो, ठीक है ना, यू विल फाइंड दैट थिंग। ओके, खास करके ब्लैक कुछ आके ब्लैक वाटर करके आती थी, बैक वाटर्स एक मूवी है, तो उसमें भी आप देखते हो कि मार्श ये स्वाम्पी एरियाज में क्रोकोडाइल्स ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, मेक सेंस। चलिए नाउ वी मूव ऑन फर्दर, जस्ट सीइंग दिस थिंग गाइस, दिख रहा है जैसे ये आइस आइस है यहाँ पे आपके ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं, तो नीचे ये वी शेप वैली दिख रही है आपको, है ना, वी शेप वैली, है ना, तो वी शेप वैली गॉर्जेस बनाती है, आपने पता होगा, तो सिमिलर लाइक गंगा गॉर्ज बनाती है, गॉर्जेस मतलब स्टीप क्लाइम्स बनाती है, ठीक है ना, दोनों तरफ पे, तो ये क्या बताता है, किस तरह की टोपोग्राफी है, ये ओल्ड है या न्यू है, ये रिवर सिस्टम ओल्ड है कि न्यू, न्यू है, गुड गुड गुड, तो ट्राई टू रिलेट दीज कंसेप्ट्स। तो जैसे जैसे नीचे आ रही है इसका मतलब क्या कम हो रहा है, इसका ग्रेडियंट कम हो रहा है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे ग्रेडियंट कम होगा तो आप देख पा रहे हो कि ये क्या हो रहा है, मियांड्रिंग कर रही है फ्लड प्लेन में, ठीक है ना, मियांड्रिंग के कारण यहाँ पे ऑक्सबो लेक्स बन रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पार्ट, आई थिंक सर ने ये करवाया है, ये मेरे को करवाने की जरूरत तो नहीं है ना, फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक्स, है ना, आई थिंक सर हैज कवर्ड ऑलरेडी दिस टॉपिक, है ना, दैट्स गुड। तो जैसे जैसे नीचे आती है तो ये बनता है, उसके बाद ये देखो ये ओशन है, ठीक है ना, ये डेल्टा है ना, तो मियांडर के बाद वेयर यू विल फाइंड, ये देखो जैसे ये साल्ट के माउथ ऑफ द रिवर है ना, तो यहाँ पे लिखा नियर द ओशन द रिवर मे फॉर्म ए साल्टी मार्श वेयर द फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर एंड द साल्ट वाटर फ्रॉम द ओशन मिक्स। अब अंदर वेव्स आ रही हैं धीरे धीरे करके, पर यहाँ पे एरिया में क्या वेव्स आएंगी, नो, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स। हाँ, ये सैलिनिटी जरूर यहाँ पे इकोटोन एरिया, ये सारा इकोटोन एरिया है क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग होती है, क्या कहते हैं, सैलिनिटी फ्लक्चुएट करती रहती है, बट दिस इज एन इकोटोन एरिया। एंड मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टेड और शेल्टर्ड कोस्ट, ठीक है ना, तो अगर आपने यहाँ पे घर बनाया है यहाँ पे, तो आपको ये वेव्स तंग नहीं करेंगी या कोस्टल इरोजन नहीं कर पाएंगी अगर आपके पास ये इकोटोन एरिया है, तो ठीक है, दैट इज वाई वी शुड कंजर्व वेटलैंड्स, मेक सेंस, ठीक है ना, ओके, तो ये डेल्टा भी एक तरह का वेटलैंड आता है हमारे पास, गुड। चले आगे, ये दिख रहा है मियांडर्स क्या होता है, ऑक्सपो लेक्स क्या होता है, ओके, ध्यान से बताना, ऑक्सपो लेक को आप कहां डालोगे, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और साल्ट वाटर में, बताइए, ऑक्सपो लेक्स, मेक सेंस, जहां पे लॉजिक लगाओ, फ्रेश वाटर, गुड, नॉट साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, ओके, व्हाई, बिकॉज अभी ये एंटर नहीं किया है कोई भी
सी में, ठीक है ना, जब तक सी में एंटर नहीं किया, और ये अलग से इसकी सप्लाई होगी ना, देखो समझ रहे हो मेरी बात, तो ये फ्रेश वाटर ही रहेगा, तो ये फ्रेश वाटर आपका आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो ये बस बताया गया है कि किस तरह से ऑक्सबो लेक बनती है, मेंडरिंग होती रहती है, ग्रेडियंट कम हो जाता है, इरोजन होती है, तो धीरे धीरे जैसे ये दो यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हुआ, यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हुआ, यहाँ पे डिपॉजिट शुरू होगा, है ना, तो धीरे धीरे ये वाला डिपॉजिट और ये वाला डिपॉजिट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रेदर देन इधर से इधर बेंड करने में ये सीधे का सीधा बेंड हो जाएगा और सी शेप कट जाएगा, ठीक है ना, मेक सेंस। यहाँ पे इरोजन हो रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, ये देखो, लेट मी शो यू वंस अगेन, यहाँ पे इरोजन हो रहा है, जहां पे ट्रायंगल बने, जहां पे ये है वहां पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है ना, तो ये जो कट कर रही है, ये कट करवाने वाला अलग हो जाएगा, ये दोनों कट कट के आपस में मिल जाएंगे, तो रादर देन गोइंग यू टर्न सीधा सीधा पानी निकल जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो बच गया आपके पास सी शेप अबैंडन्ड ऑक्स लेक बन जाएगा, ऑक्स को लेक, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास आती है बॉग्स एंड पीट्स एंड मायर्स एंड क्रीक्स, ओके, पीट्स बॉग्स एंड मायर, मायर भी होता है, फेन भी होता है, FEN, फेन, डिफर वन और द अदर वे, थोड़ा थोड़ा डिफर करते हैं, खास कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें, बट यू नीड टू नो व्हाट इज ए बॉग, व्हाट इज ए मायर, व्हाट इज ए पीट, ओके। बॉग एक तरह का मायर होता है, वी विल डू, आई विल टेल यू व्हाट इज मायर, ठीक है ना, मायर दैट एक्यूमुलेट्स पीट, ओके, अ डिपॉजिट ऑफ डेड प्लांट मटीरियल, ऑफन मॉसेस एंड इन अ मेजोरिटी ऑफ केसेस स्फैग्नम मॉस, ओके। They are characterized by spongy, peaty deposits, acidic waters, and floor covered by thick carpet of sphagnum moss. Okay, what happens in a bog is simple thing. Let me show you if I have a picture. Yeah, this area. This is a bog. Okay, you will see यहाँ पे घास उगा हुआ है, ठीक है, घास उगा हुआ है, यहाँ पे बीच में पानी है, लेकिन घास की ज्यादा concentration है, ठीक है ना। How it is different from मार्शेस, मार्शेस से कैसे डिफरेंट है, पानी थोड़ा कम है, मार्शेस में पानी ज्यादा होता है, ठीक है, ग्रासेस उसमें होते हैं, ग्रासेस इसमें होते हैं, ठीक है, इसमें कौन सा ग्रास स्पेसिफिकली होता है, मॉसेस, स्फैग्नम मॉस, बड़े बड़े घास होते हैं, बड़े बड़े, है ना, ओके। तो व्हाट इज बॉग, है ना, बॉग में क्या होता है, देखो जो आपका डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये जो आपने बीच में देखा होगा, ये जो आपका खाली एरिया वाला दिख रहा है आपको, ब्राउनिश ब्राउनिश का एरिया दिख रहा है, तो जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट एनिमल्स हैं वो नीचे दब जाते हैं, ओवर द सेंचुरीज क्या होता है, मैंने आपको बताया, वो नीचे दब जाते हैं, उसके बाद ये तो एक सक्सेशन का ही एरिया है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, तो हाइड्राग से मीजाक की तरफ जाता है और जी राग से मिजाक की तरफ जाता है, ये हमने पढ़ा था, इकोलॉजिकल कंसेप्ट पढ़ा था, तो ओवर द मिलियंस एंड मिलियंस एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर ये चेंजेस आती हैं, ओके। तो ये हाइड्राग है, ये धीरे धीरे कवर हो जाएगा, सक्सीड कर जाएगा मिजाक कंडीशंस में, फॉरेस्टेड एरिया धीरे धीरे बनना शुरू होगा। नाउ बिफोर इट बिकम्स ए फॉरेस्ट, ठीक है, और ये सारा एरिया कवर हो जाएगा, ये डेड मटीरियल जाएगा कहां, नीचे दबेगा ना, समझ रहे हो ना, नीचे दब रहा है, एवरी वन मेकिंग सेंस, लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी शेयर माय स्क्रीन इफ आई हैव दोस पिक्चर्स, ठीक, let me show you if I have those pictures, एक मिनट,
जस्ट एक सेकेंड, जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक। दो मिनट देना पड़ेगा, 2 मिनट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। ओके, तो लेट्स मैन ओके, लेट मी शो यू माय स्क्रीन। आई कैन टेक इट। Now let me share my screen with you guys. Now, आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी बेटा, ठीक है? Let me show you something. तो आपने देख रहे हो कि यहाँ पे रिवर चैनल आ रहा है, ठीक है, ऊपर से, ठीक है, रिवर चैनल आ रहा है, ठीक है, और ये सीधा जाके एक पॉन्ड में इकट्ठा हो रहा है और पॉन्ड से आगे जा रहा है। हमने इतना ही देखना है। तो मार्शेस आपको कहाँ देखने के मिलेंगे? यहाँ पे देख रहे हो, स्वाम्प एंड मार्शेस, ठीक है ना, ये वाले एरिया में। स्वाम्प्स मतलब वहां पे ट्री है, मार्शेस मतलब वहां पे ग्रासेस हैं, ठीक है ना, मेक सेंस। लेकिन बॉग्स, बॉग्स आपको थोड़ी दूरी पे देखने को मिलेंगे, नॉट क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ए पॉन्ड और ए वाटर बॉडी, बट थोड़ा दूरी पे। ओके, अब यह पॉन्ड्स और वेट मेडोज, इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, फेंस और बॉग्स में क्या डिफरेंस है। बॉग समझ लग गए ना? बॉग कहाँ पे पाए जाएंगे? पानी के बिल्कुल स्तर के पास में नहीं, पानी से दूर पाए जाएंगे, पानी के सोर्स से दूर में पाए जाएंगे। लाइक इट हियर इट विल बी बॉग्स। तो आपको क्या लगता है, नेचुरली लो लाइंग एरिया होएगा, ठीक है, वहां पे वाटर टेबल ही इतना होगा कि भाई ऊपर आ गया है पानी, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, नदी तालाब होते हैं उनमें पानी अंदर जाता है, कहीं से कहीं पानी बाहर जाता होगा कोई एरिया, तभी तो वो पानी का स्तर बना रहता है वहां पे, ठीक है ना। लेट मी शो नाउ इन अ फैन एंड इट बॉग, देयर इज अ डिफरेंस। मेन डिफरेंस इज जो फैन होता है ना, उसमें पानी ये देखो आ रहा है और पानी बाहर भी जा रहा है, तो एक समान स्तर से बना रहता है वो, ठीक है ना, पानी आ रहा है पानी जा रहा है। लेकिन एक बॉग जो होता है उसमें सिर्फ पानी आ रहा है, चाहे वो बारिश का पानी हो चाहे वो नेचुरल वाटर हो, लेकिन वो पानी बाहर नहीं जा रहा है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ए फैन एंड ए बॉग। ओके, तो फैन जो होता है वो आपका क्या है कि भैया पानी आ रहा है, पानी कहीं से बाहर जा रहा है,
लेकिन बॉग में सिर्फ पानी आ रहा है, कहाँ को जा रहा है वो नहीं बताया गया, ठीक है ना। वो सिर्फ यूजली ग्राउंड वाटर में जाता है, ठीक है ना। इनलेट और आउटलेट नहीं होता है, इनलेट ही होता है, आउटलेट नहीं होता है कहीं से बॉक्स का, ठीक है। मेक सेंस? तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, लेट मी शो यू, ठीक है। ये देखो 4,000 साल पहले कुछ इस तरह से इनका लेक, बड़ा लेक होता था, रिवर होती थी, है ना, ये होता था एरिया। आजकल वहां पे किस तरह से क्या चेंजेस आएंगे, ये देखो आगे बढ़ गया, सक्सेशन हो गया, ये बहुत बड़ा था, ये आगे कम हो गया, ठीक है। बॉग्स एंड पीस, ये जो छोटे छोटे बीच में रिवुलेट्स थी, ये मेन रिवर है, ये वाली जहां पे आ रही है जो मेन रिवर है, ये बीच में पॉन्ड्स जो बने थे वो कवर हो गए प्रॉपर बॉग्स ऑफ द पास, ठीक है ना। ये वहां पे बॉग एरिया आ रहा है, तो ये सेडिमेंटेशन देखो नीचे हो गया, मिट्टी इकट्ठी हो गई, ठीक है ना। मेक सेंस? चले आगे। तो मायर या क्वाग मायर, क्या मायर का मतलब होता है, कोई भी वेटलैंड दैट इज डेवलप्ड बाय पीट मेकिंग या पीट फॉर्मिंग प्लांट्स, ठीक है जी। तो ये स्वाम्प्स भी हो सकता है, मार्शिस भी हो सकता है, ये बॉग भी हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी टर्म है मायर्स, ठीक है ना। तो मायर्स की फर्दर क्लासिफिकेशन आती है बॉग्स में, फेन में, ठीक है जी। जो बॉग्स होती है, ठीक है, मॉस, वहां पे करेक्टरिस्टिक वेजिटेशन होती है मॉस, कौन सा मॉसेस होते हैं, स्फेगनम मॉस, ग्रासेस, जो ग्रासेस होते हैं, ठीक है ना। दे आर न्यूट्रिएंट पुअर एसिडिक वेटलैंड्स कनेक्टेड अनकनेक्टेड टू लेक्स और स्ट्रीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर अनकनेक्टेड टू लेक्स और स्ट्रीम्स, ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ पे रेप्टाइल्स, बग्स और बग ईटिंग प्लांट्स, स्फेगनम मॉस, ऑर्किड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, बट देयर विल बी वेरी फ्यू फिशेज इन ए बॉग, ओके, क्योंकि वाटर एसिडिक है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपके पास फेन, ठीक है ना। फेन जो है, ये देखो ये उल्टा है उसका, फेन क्या है, वो एसिडिक था बॉग, ये है एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन वेटलैंड, ठीक है, कनेक्टेड टू स्मॉल लेक्स और स्ट्रीम, दैट इज ए वेरी करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर फेन। मैंने अभी बताया एक इनलेट होगा एक आउटलेट होगा, तो जो फेन है उसमें स्मॉल लेक्स और स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड होगा वो, ठीक है ना, समझ रहे हो। आपको सीधा नहीं देखने को मिलेगा कि भैया अलग से पड़ा हुआ है एक फैन, फैन के साथ हमेशा आपका कोई वाटर बॉडी जरूर होगी, चाहे लेक होगा चाहे स्ट्रीम्स होगी, ठीक है जी, डन। इसमें कले ग्रास नहीं, बहुत सारे मेडोज भी आ सकते हैं, सेजिस भी आ सकते हैं, शॉर्ट ट्रीज भी आ सकते हैं, ठीक है ना। वाटर कम्स फ्रॉम द ग्राउंड वाटर सीपेज, कैल्शियम रिच होता है, फैंस डेवलप फ्लावर्स लाइक ऑर्किड्स, ठीक है ना। तो ये आपको देखने को ऐसे मिलते हैं, ये देखो आप देख रहा होगा ये वाला चीज, ठीक है ना, ओके, मेक सेंस। चले आगे, बॉग और इसमें समझ लग गया डिफरेंस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट नाउ, ये वाला। और आपको ये दे मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ये देखो 4,000 सालों में काफी चेंजेस आती हैं, काफी प्लांट डेड होता है, डेड होके नीचे जाता है, सेडिमेंट बनता है, और वो लेक पूरा जो पहले कभी लेक हुआ करता था, छोटे छोटे लेक, वो पूर के वहां पे बॉग्स बन चुके हैं, ठीक है ना। लग गई बात समझ, मेक सेंस? गुड। नाउ एक और चीज यहां पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेट मी राइट इट ओवर हियर, ओके। नाउ इन अ बॉग, ठीक है, जो डेड ग्रासेस हैं या डेड ऑर्गेनिक कंटेंट है, ठीक है, दैट विल गो डाउन, वहां पे पानी ज्यादा इकट्ठा रहता, खड़ा रहता है पानी, ठीक है, खड़ा रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो ऑक्सीजन कंटेंट क्या होगा उस सॉइल का, हाई और लो? जल्दी जल्दी बताइए, हाई और लो? लो, लो इन ऑक्सीजन कंटेंट सॉइल, ओके। लो ऑक्सीजन कंटेंट, लो विल बी द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, लो विल बी द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मींस वहां पे जो है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो वैसे का वैसे पड़ा रह रहा है, ठीक है। ऊपर से आपका और एक लेयर आ गई, और एक लेयर आ गई, और एक लेयर आ गई, जब इतनी लेयर इकट्ठी हो जाएंगी, जब इतना दबाव पड़ेगा तो क्या बनता है बताइए,
कोल बनेगा, कोयला बनेगा, ठीक है ना? कौन सा कोयला बनेगा? पीट का, पीट कोल। कोल की चार प्रजातियां होती हैं, प्रजातियां नहीं, टाइप्स होती हैं, चार टाइप्स होती हैं। पीट, व्हाट एल्स इज देयर? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, है ना? चार टाइप्स होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना कार्बन कंटेंट है। तो सबसे कम जिसमें कार्बन कंटेंट होता है 30% के अराउंड, दैट इज योर पीटी सॉइल या पीट सॉइल या बॉक्स। मेक सेंस? ओके, मेक सेंस? चले, इतना समय लग रहा अभी? गुड गुड गुड। नाउ ये जो बॉग्स हैं, ठीक है ना, वहां पे जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल हैं, लेट मी शो इफ आई हैव अ पिक्चर ऑफ इट, हैव अ पिक्चर ऑफ इट। हाँ ओके, सो व्हाट विल बी दे फॉर्मिंग, क्या फॉर्म करेंगे वो, है ना? बेसिकली वो कॉइल फॉर्म में करेंगे, सीधी सी बात है ना? अब जो ये इतना है, कोल है, लिग्नाइट है, बिटोमिनस है और एंथ्रासाइट है, इनमें अंतर क्या है? सारे कोल्स के टाइप ही, दे ऑल आर वैरायटी ऑफ कोल्स, बट कोल की मात्रा कितनी है, कार्बन की, सॉरी नॉट कोल की, कार्बन की कितनी मात्रा है उनमें, ये अंतर है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा होती है एंथ्रासाइट में, क्लोज टू 90% एंड अबव, ठीक है ना? बाकी क्या होता है, अगर 30 इसमें कोल है, पीट में 30% कोल है, तो बाकी क्या है? रेस्ट इज सल्फर एज वेल एज मॉइस्चर। जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा कितने भी कोयल में, उतना ज्यादा वो कम बलेगा, उतना ज्यादा वो हीट कम प्रोवाइड करेगा, और उतना ज्यादा पुअर क्वालिटी ऑफ ऑयल विल बी देट वुड बी दैट। ओके, जनरली क्या होता है, पीट बनती है, जैसे बॉग से क्या बना, पहले पीट बना, ठीक है ना? पीट को जब और टाइम लगता है, और प्रेशर लगता है, और नीचे चला जाता है, तो और प्रेशर बढ़ता है, तो ये लिग्नाइट और बिटुमिनस में कन्वर्ट हो जाता है, और मिलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट बहुत हाई फ्लेम का, बहुत हाई क्वालिटी का कोल होता है। ओके, मेक सेंस? गुड, चले आगे। ओके, नाउ एक चीज मैं आपको यहीं पे करवा देता हूं, ताकि आपको ये जाके आगे कंफ्यूज ना करे। अच्छा ये बताओ मेरे को, इंडिया में बॉग्स और पीट्स तो पाए जाते हैं ना, वेयर एल्स यू फाइंड बॉग्स, कहां पे करेक्टरिस्टिकली पाए जाते हैं? इन डेवलप्ड एरियाज, डेवलपिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेयर क्लासिकली इन ब्रिटेन। एंड इफ यू अंडरस्टैंड, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो ब्रिटेन में सबसे ज्यादा रामसर कन्वेंशन वेटलैंड साइट्स हैं, 170। ओके, उसमें मेजॉरिटी ऑफ दीज 170 वेटलैंड साइट्स आर बॉग्स, फेंस, पीट्स, मेडोस। मेडोस बहुत सारी और भी, मोर्स भी होता है, बट वी विल नॉट गेट टू दैट। ये सारी चीज, ये सारी ज्यादा है जहां पे पानी खड़ा रहता है, जहां पे ऑक्सीजन डेफिसिट सॉइल है, जहां पे कार्बन कंटेंट ज्यादा है। जरूरी नहीं कि ये पीट ही निकलेगा, वहां पे कोयला बहुत अच्छे तरह का निकलता है, ठीक है ना? क्योंकि वहां पे बहुत टाइम से वो दबा हुआ था नीचे। वेयर डिड यू थिंक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस, बताओ? I'm converting, now I'm connecting environment, geography with history. Can't take place kiya tha. In first time it was in printing. Okay. What do you think industrial revolution? Na, Britain, सबसे पहले ब्रिटेन में, ब्रिटेन में क्या आपको देखने को मिला सबसे पहले, जब आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हो, तो किस चीज को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कहते हो? ट्रेन्स का उत्पादन होना शुरू हुआ, ठीक है? कोल, कोल रनिंग स्टीम से जितने भी आपके जो मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स वर रन ऑन कोल, है ना, कोयले के ऊपर था। कोयला सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ पे पकवाया जाता था आपको? यहीं पे मिलेगा। तो ब्रिटेन का सुपर पावर बनने में बहुत ज्यादा रोल कोल का रहा है।
कोल कहाँ पे पाया जाता था, जहाँ पे बॉग्स, मार्शेस, नॉट मार्शेस, बॉग्स, पीट्स, मेटोस, फर्न्स, फैंस, बॉग्स पाए जाते हैं, क्योंकि वो इतने टाइम के दबे पड़े थे तो वो कोल में कन्वर्ट हो गए। कोल भी कोल था, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, एंड दैट इज व्हाई ब्रिटेन सबसे पहले वहां पे, जब इन ये एनर्जी के सोर्सेस टूटने की होड़ लगी, तो ब्रिटेन वाज द फर्स्ट टू कैपिटलाइज ऑन दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज करंटली टेकिंग प्लेस? इज 4.0, नॉट 3 पॉइंट, नॉट 2 पॉइंट, बट 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0? थिंक अबाउट इट, ठीक है, इतना नहीं मैं बताऊंगा, सर्च करो व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। कुरुक्षेत्र, नहीं कुरुक्षेत्र नहीं, योजना में एक पूरा का पूरा आर्टिकल आया, पूरा पूरा एक पन्ना छपा हुआ उसके ऊपर, नॉट पन्ना, वो पूरा मैगजीन छपा हुआ उसके ऊपर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 एंड व्हाई साइबर फिजिकल सिस्टम इज द नेक्स्ट बिग थिंग। व्हाट इज साइबर फिजिकल सिस्टम्स? टू किया था तो मैं बोलता रहता हूँ, तो पढ़ा करो उस चीज को, मैंने सेंड किया था आई थिंक, हाँ मैंने आपको सेंड किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। So do study what are cyber physical systems. This is the cutting edge. ठीक है? ऐसे भी लिखा था। Sorry, Sim, I wasn't able to. Do send me again. I will check it. Okay. Okay. चलो. Moving on further. Now it's in एक चीज यहाँ पे मैं और बता देता हूँ. Let me share my screen again. Are you guys seeing this thing? देखो. ध्यान से दिख रहा है आपको, ठीक है ना? तो ये आप देख पा रहे हो कि स्वाम्पी एरियाज थे, या जो आपका पीट थे, बॉग्स थे, फर्न्स थे, पहले 400, 100 से 4000, 400 मिलियन इयर्स अगो, बाद में सेडिमेंट हुआ, नीचे चले गए, तो क्या हो गया, और ये बन गए यहाँ पे पीट्स। लेट मी शेयर, यहाँ पे पीट्स बनना शुरू हो गए, वेजिटन टर्न टर्न्स टू पीट। जब और टाइम हुआ, और ज्यादा मतलब टाइम बीजा, और आज के दिनों में ये सारे के सारे कोल बन चुके हैं, जिसको हम खाने निकाल के, खाने बना के, बहुत सारी माइंस बना के हम उसको निकालते हैं, एवैक्यूएट करते हैं, ठीक है ना? दिस वाज द बेसिक थिंग, ठीक है ना? कोल्स आर बेसिकली रैंक्ड अकॉन लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। सबसे जो नीचे वाला कोल होता है, दैट इज पीट, जो पीटी सोइल होएगी। व्हाट डू यू थिंक, ये एसिडिक होएगी कि वो होएगी? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट पड़ा है, ऑर्गेनिक एसिड्स पड़े हैं हमारी सारी बॉडी के, तो ऑर्गेनिक होएगी। दैट इज व्हाई द बॉग्स आर एसिडिक सॉइल्स, ठीक है ना? वहां पे आपके वो प्रजातियां पाई जाएंगी, वो आपके पाई जाएंगे लाइकन्स, मोसिस, ब्रायोफाइट्स, जो कि एसिड में उग सकते हैं, एसिडिक सॉइल में उग सकते हैं, ठीक है ना? मेक सेंस? दीज क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कॉइल, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंटेंट। कोल्स अदर कंस्टिट्यूएंट इंक्लूड ये वाले सल्फर, एश और सल्फर। यू नीड टू स्टडी व्हाट इज द एश एंड द सल्फर कंटेंट ऑफ द कोल फाउंड इन लिग्नाइट वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है? क्योंकि ये आपका बहुत जरूरी है, यूपीएससी ने इसको क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पूछा। उन्होंने क्या पूछा कि भैया इंडिया में जो कोल पाया जाता है कोल माइंस में, उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है? उन्होंने नाइट्रोजन दिया था, ऑक्सीजन दिया था, ऐश और सल्फर दिया था, तो ऐश और सल्फर बहुत पाया जाता हो। अगर आप बठिंडा के नेरे रहते हैं, लहर गंगा जो हमारा लहर बम का पता नहीं केड़ा पावर प्लांट है हड्डा होते, वहां पे अगर आप रात को, कहते हैं जी उसके अराउंड जो गांव है, अगर रात को आप चादर लेके सो ना ऊपर आसमान में, सुबह वो कालक हो जाती, काली हो जाती है पूरी की पूरी। वाई? बिकॉज ऑफ द ऐश एंड द सल्फर कंटेंट ओवर दियर। Why we need to change those things? Again, you need to study those things. I will let you know. ठीक है ना? अभी बताता हूँ। Contains lot of moisture. ठीक है ना? More smoke पैदा करता है, more pollution पैदा करता है, ठीक है ना? लकड़ी की तरह बलता है, लेस हीट प्रोवाइड करता है, एमिट्स मोर स्मोक एंड लीव्स अ लॉट ऑफ एशेस। तो पीट इज नॉट ए यूजेबल फॉर्म ऑफ आपके पास जो कोयला है उसकी, ठीक है ना?
नेक्स्ट आता है लिग्नाइट, इसको ब्राउन कोयल भी बोला जाता है, लो ग्रेड कोल होता है, इंडिया में बहुत पाया जाता है लिग्नाइट, 40 to 55% कार्बन होता है इसमें। फर्स्ट इज लेस देन 40%, ये है 40 to 55%। ब्लैक टू डार्क ब्राउनिश कलर का होता है, ये देखो ब्राउनिश कलर का होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, जल्दी आग पकड़ता है, ठीक है ना। फायर एक्सीडेंट माइंस में जब आप इसको निकालने जाते हो तो बहुत ज्यादा ये क्रिएट कर सकता है, आग पकड़ सकता है। 80% तक बिटोमिनस कोल होता है, ये सॉफ्ट कोल के नाम पे भी जाना जाता है। तो मॉइस्चर कंटेंट इसका 50 to 40% होता है, डज नॉट हैव ट्रेसेस ऑफ ओरिजिनल वेजिटेशन मटेरियल, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसको कोक और गैस के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। कोकिंग गैस जिसको बोलते हो वो आपकी यूज होती है सीमेंट प्लांट्स में, आपकी यूज होती है सीमेंट प्लांट्स में आपकी यूज होती है अपना क्या कहते हैं, ये जो स्टील प्लांट्स हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं, इसमें जो कार्बन यूज हो रहा, कोयला यूज हो रहा है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है ना। एंथ्रासाइट है, ठीक है ना, उसका सबसे हायर कंटेंट होता है, हार्ड कोयल होता है, मॉइस्चर नहीं होता है, इग्नाइट स्लोली। आपने देखा होगा कोयला जो होता है ना, धीरे धीरे आप काला कलर का होता है जो यूजली लेके आते हो, तो वो काले वो जल्दी जल्दी एकदम से आग नहीं पकड़ता, लेकिन एक बार आग पकड़ ली तो बहुत ज्यादा टाइम तक वो भगता रहता है, आपने देखा होगा, ठीक है। इट इज ओनली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड दैट टू इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो हमारे पास ये इसका कोई ज्यादा उत्पाद है नहीं है अभी तक, ठीक है ना। गुड, आर यू मेकिंग द सेंस। ये स्वाम्प किसको बोलेंगे, श्रब कहाँ पे आगे, मैडो किसको बोलेंगे, मार्शी एरिया किसको बोलेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट स्लाइड। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट अगेन। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नाउ एक मैं अभी बात आपसे बोलना चाह रहा था, लेट मी चेक, एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, वेयर इन इंडिया यू विल फाइंड कोल, दिस छोटा नागपुर, हजारीबाग प्लेट्यू, ठीक है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू, रानीबाग, है ना, ये वाला एरिया, ठीक है ना। तो दिस एरिया आपका सबसे ज्यादा एरिया डेवलप्ड है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना, इन एरिया में, तमिलनाडु, नॉट दिस केरला, दिस इज केरला, ओके। इन दिस एरिया वी विल फाइंड कोल, दिस एरिया लिग्नाइट नेवेली कॉर्पोरेशन, ओके। लिग्नाइट यहाँ पे पाया जाता है, बिटुमिनस और पीट आपके यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आप अगर देखो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर, कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है, ठीक है ना। ध्यान से याद रखो, ध्यान से याद रखो, इफ यू अंडरस्टैंड, नाउ आई एम ट्राइंग टू इंटीग्रेट एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी विद इकोनॉमिक्स, विद इकोनॉमिक्स, ध्यान से सोचो, इकोनॉमिक्स। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द कोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी व्हाट आर, कितने कोर सेक्टर्स हैं हमारे, कितने कोर सेक्टर्स हैं हमारे, 10, 15, कितने, नहीं पता। सर ने पढ़ाया ना आपको, आई थिंक करवाया होगा, आई थिंक ये है ना, करवाया कि नहीं करवाया, चलिए चलिए कोई बात नहीं, करवा देते हैं फिर, मैं करवा दूंगी तो, ठीक है, ओके। सो कोल नेचुरल गैस, वेरी गुड, नॉट 15 उत्तरा, दे आर ओनली 8, ओके। तो कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, वेरी गुड, व्हाट एल्स, क्रूड ऑयल हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड होती है कि नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड होती है कि नहीं होती है, बताइए, डू वी इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी इन दैट,
यस, इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूड होती है, फर्टिलाइजर्स भी इंक्लूड होता है, ठीक है ना? मेक नाउ मेक सेंस? ठीक है ना? नाउ ध्यान से देखना है इसको, ध्यान से समझो, नाउ केयरफुली केयरफुली यहाँ पे देखो, ये सारे कुछ होते हैं 8 सेक्टर। व्हाई वी ये 8 सेक्टर कोर ऑफ द सेक्टर, जो इकोनॉमी का जो हमारे पास डाटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए ये डाटा आता है, व्हाट डज इट शो, किसमें इंक्लूड करते हैं उसको डाटा को? आई थिंक आई हैव, मेरे पास अगर ओल्ड स्टूडेंट होंगे तो मैंने उनको करवाया था ये। आप पढ़ते हो ना कोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का डाटा आ गया जी, सेक्टर जो है सीमेंट का प्रोडक्शन कम हो गया, स्टील की प्रोडक्शन कम होती है ना? कहाँ पे कम होती है भैया, कौन सा? नो 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 जीडीपी, दैट इज अ बिग डिफरेंस, इट्स अ बिग डिफरेंस। सीपी नो, जीडीपी नो, कॉन्ट्रीब्यूटर, यही तो समझ आपको पता होना चाहिए कहाँ पे यूज करते हैं ये सारा कुछ डाटा। बताइए 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 जल्दी। नो इन्फ्लेशन, नो इन्फ्लेशन शिवम, नो इन्फ्लेशन, दैट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, आई मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट एक्सपोर्ट एम्पोर्ट। द थिंग इज वी नीड दिस डाटा, और ये डाटा किस चीज का हिस्सा होता है, लिख लो सारे के सारे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस प्रोडक्शन? ओके, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, गुड, मेक सेंस। अनदर थिंग इज परचेजर्स, मैनेजर इंडेक्स, PMI। ओके, डू गो एंड स्टडी अबाउट दिस, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का है, अगर आपने सर ने करवाया इट्स ओके, अगर नहीं करवाया तो गो एंड सर्च फॉर दीज वर्ड्स इन द यू इन द ओके नेट, ऑन द नेट। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज सिंपल थिंग, इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपने सुना होगा, बड़ा न्यूज में रहा है क्योंकि शो हो गया। अब देखो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड परचेजर मैनेजर्स इंडेक्स, एवरीवन दिख रहा है? ओके, व्हाई आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप पिछले 3-4 महीने के पेपर उठा के देखो तो आपने देखा होगा एक फिगर बड़ी ज्यादा कोट होती रही है, -22.7% ग्रोथ रही है हमारी, है ना? कुछ इस तरह से 23.9, है ना, कॉन्ट्रैक्शन, है ना? ओके, हैव यू एवर, है ना, लॉकडाउन के दौरान, अब शायद -9 के अराउंड है ना, हर 3 महीने के बाद आता है। These are not inflation numbers. These are very important. किसी भी इंडस्ट्री कोई ग्रो कैसे कर रही है वो हमें कैसे पता चलता है, नॉट जीडीपी से बट अबाउट हाउ मच ऑफ द, क्योंकि इससे आपको बहुत चीजें पता चलती है। एक नंबर की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, ठीक है, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, अगर आप रॉ मटेरियल्स या फिनिश प्रोडक्ट्स ज्यादा बना रहे हो, ठीक है ना, डेफिनेटली जीडीपी भी है तो आपको यही काम कर रहा है। आप तो बोलो सर फिर हमें ये पढ़ने की क्या जरूरत है, नहीं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपका मैन्युफैक्चरिंग में और जो ये दूसरी सेक्टर्स होते हैं इनमें कितनी खपत बढ़ी है, ये 8 कोर सेक्टर्स उसी में आते हैं, ठीक है ना, इन 8 कोर सेक्टर्स में कितनी मात्रा बढ़ी है, किसी चीज की डिमांड कितनी बढ़ी है, दैट विल टेल यू कितनी ज्यादा उन रॉ मटेरियल्स का यूज करके, जैसे सीमेंट की बात करो, अगर सीमेंट की खपत बढ़ रही है इसका मतलब लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं तो कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट हो रही है ना, है ना, बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है, बहुत सारे लोग घर बनाने में व्यस्त हैं, लोगों के पास पैसा है तभी वो सीमेंट को अफोर्ड कर पा रहे हैं। सिमिलरली गोज फॉर स्टील, सिमिलरली गोज फॉर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, सिमिलरली गोज फॉर कोल एंड नेचुरल गैस, मेक सेंस? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स योर पेट्रोल डीजल एंड ऑल द थिंग्स, नेचुरल गैस एज वेल, ठीक है ना, सो बेसिकली समय लग रहा, क्रूड ऑयल, हाँ क्रूड ऑयल, ठीक है ना, तो लग रहा है समझिए, तो दिस टेल्स की अगर इंडस्ट्री में, अगर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हेल्दी है तो ये सारे चीजों की खपत बढ़नी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की खपत भी बढ़नी चाहिए, सीमेंट की खपत भी बढ़नी चाहिए, स्टील की खपत भी बढ़नी चाहिए, रिफाइंड ऑयल की खपत भी बढ़नी चाहिए। जितना ये भारी होगा, जितना ये ज्यादा इनमें इंक्रीज आएगा वो बताएगा कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर हैव टू अब्सॉर्ब मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या आया है,
और डू गो फॉर हु पब्लिशेस इंडेक्स, दिस इंडेक्स। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, दिस बिकम सो, आपको अगर ये काम भी मैं बता दिया तो आपने क्या करना है ना, हु पब्लिशेस इट, हु पब्लिशेस दिस इंडेक्स, हाउ दिस इंडेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम दिस इंडेक्स, पता करो। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ अभी भी। यस, वेरी गुड। कौन सा बेस ईयर है, चेक करो, व्हाट इज द बेस ईयर, व्हाट इज द बेस इफेक्ट। इफ यू गो थ्रू दिस आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ठीक है। परचेजर मैनेजर्स इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, कौन इसका वो कर रहा है, ठीक है ना। तो वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट, इसको कहां से स्टार्ट किया था, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, एंड वी आर कनेक्टिंग विद दिस, दिस इज इकोनॉमी, ठीक है ना। अब अपोलो सर, मैं इकोनॉमी तो इकोनॉमी वाले सर पढ़ाएंगे, वो करेंगे तब कर लेंगे, है ना। ये मत सोच, दिस इज ए डिफीटिस्ट एटीट्यूड। अगर आपने कोई कंसेप्ट कोई पढ़ना है ना भैया, ऐसा पढ़ो कि भैया आपको जो यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो क्वेश्चन पूछ लेना कि भैया इसके बारे में बताओ मेरे को, तो उसका काला चिट्ठा खोलो। दे वांट यू टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन दी। सिर्फ आप एनवायरमेंट है तो मैं सिर्फ एनवायरमेंट के बारे में पढ़ूंगा, मैं ज्योग्राफी के बारे में नहीं पढ़ूंगा, मैं कोई भी इकोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ूंगा, मैं उसके इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं पढ़ूंगा, मैं उसको हिस्ट्री के साथ रिलेट करके नहीं पढ़ूंगा, नहीं। दे वांट ए होलिस्टिक ब्रेन इन यू, दे डोंट वांट कि भैया जो जिसको पैची पैची नॉलेज है ना, हर एक की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, नहीं, हर एक की नॉलेज है और हर एक की नॉलेज की इंटीग्रेट करके रखा बंदे ने, ठीक है ना। तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैंने पढ़ ही लिया है कोल के बारे में, अभी मैंने पढ़ रहा था कोल कहाँ से बना, तो कोल मैंने पढ़ लिया कि इंडिया में चार प्रकार के कोल पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, वो पढ़ लिया, ज्योग्राफी का हिस्सा भी मेरा कवर हो गया। एंड यू विल नो मोस्ट ऑफ दिस कोल इंडस्ट्रीज यू विल फाइंड इन एरियाज वेयर यू विल फाइंड कोल, ठीक है ना। जहां पे कोल की अवेलेबिलिटी होगी, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, लाइक स्टील, लाइक रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, दे आर वेरी क्लोज टू द एरियाज वेयर आर एक्चुअली थर्मल पावर प्लांट्स, दे आर एक्चुअली क्लोज टू द कोल माइंस ऑफ इंडिया। मेक सेंस, है ना। अब अगर आपको और पढ़ना है, और भी बता देता हूँ इसका, ठीक है, वेरी गुड हरमन। यू नीड टू स्टडी अबाउट कोल, वट टाइप ऑफ कोल कंटेंट इज फाउंड इन इंडिया, वट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द कोल इन इंडिया, ठीक है। वाई वी इम्पोर्ट, अवर इम्पोर्ट बिल इज ऑल्सो ऑफ द कोल, है ना। तो कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं हम कोल, वी इम्पोर्ट इट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। Why we need to import coal from Australia? अगर आपने देखा हो, अदानी का एक बहुत बड़ा विरोध भी हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इफ यू आर दैट मच, अगर आपको करंट अफेयर्स में कुछ भी थोड़ी सी भी मतलब है, तो काफी विरोध हुआ था ऑस्ट्रेलिया में उसका, है ना, या अदानी कारपोरेशन का, ठीक है ना, कि वो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जाके वहां पे जो नेचुरल प्रिस्टीन एरियाज उसको खराब करने की और कोल वहां से एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे थे, है ना। To understand about this, why we need to import coal from India, ठीक है ना। जब इतना पढ़ लोगे, then मैं आपको आगे बताऊंगा अबाउट वट इज कोल बेड मिथेन, वट इज पॉली मेटेलिक नड्यूज, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में एक एक बार आ चुके हैं। वट इज सिन गैस, ठीक है ना, वट इज शेल गैस, वट इज एनर्जी डिप्लोमेसी, वी आर नाउ कनेक्टिंग दिस विद इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है ना। इतना ज्यादा एक चीज नहीं, आपको उसका काला चिट्ठा पता होना चाहिए पूरा, इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। दैट देन यू विल थिंक कि आप यूपीएससी का स्तर का पढ़ रहे हो, इफ यू आर मेकिंग दैट मच ऑफ कनेक्शंस। इफ यू नो व्हाट इज कोल बेड मिथेन, व्हाई वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम, व्हाई यूएस हैज ऑलरेडी शिफ्टेड फ्रॉम कोल बेस्ड इंडस्ट्री, सॉरी पेट्रोलियम बेस्ड इंडस्ट्री टू शेल बेस्ड इंडस्ट्री, बिकॉज उसके पास बहुत ज्यादा शेल गैस रिजर्व्स पाए गए हैं, वो काम शुरू कर चुके हैं इसका। आफ्टर इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स दे विल बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन शेल गैस एंड दे विल बी अ मेजर डिवेलपर ऑफ शेल गैस, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ शेल गैस, ठीक है ना। थिंक अहेड, व्हाई वी नीड टू मेक कल्टिवेट गुड रिलेशनशिप विद यूएस। Make sense?
और मोदी जी इतना पास आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, तो कोई तो रीजन होगा। थिंक दैट फॉर मोदी जी को ये आइडिया अपने आप रात को सो के नहीं आया, चलो ट्रम्प के पास चलते हैं या चलो यूएसए से नेड़ता बनाते हैं, नेड़ दैट मेक्स एनर्जी डिप्लोमेसी बिग बिग रोल। गॉट इट? ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू बॉग्स एंड पीट्स। कितना कुछ पढ़ा आज हमने, दीज काइंड ऑफ यू नो या इंडिया नीड्स टू डाइवर्सिफाई। इफ दे आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज द व्हाट यू कैन व्हाट वी कैन डू टू प्रिवेंट दिस, तो वी कैन डाइवर्सिफाई अवर एनर्जी रिसोर्सेज। डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं, हमने अपने पास अपना अपने इंडिया में ही हमने अपना मतलब रिजर्व बना के रखे हुए हैं। आपको पता हुआ कि यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में हमने एक मेमोरेंडम भी साइन किया था कि इंडिया में ही हम कम से कम पता नहीं कितने दिनों का, 3 months और 2 months समथिंग लाइक दैट, इतना रिजर्व हो कि अगर कल को बंद भी हो जाए पेट्रोल किसी कारणवश तो किसी भी कंट्री के घुटने टेक देता है। ठीक है ना, तो यू विल ओनली फाइट वार इफ यू हैव पेट्रोल और कोल। ठीक है ना, तो अगर कोई आपका कंट्री आपको जैसे इंडिया के अराउंड, मैंने वो डिस्कस किया था है ना नेकलेस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है ना, तो अगर कोई हमारे को डाउन कर दे तो वो हमारे को रिजर्व होने चाहिए। बाकी हम सिर्फ यूएपी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, हमारे पास ऑयल वेनेजुएला से भी आता है, ईरान से भी आता है, वहां पे हम शाबहार पोर्ट भी डेवलप कर रहे थे जो हमारे से चाइना ले गया। यू नो ट्राई टू इंटरकनेक्ट दीज थिंग्स इन योर स्टडी, सिर्फ यहां से नहीं स्टडी करनी, होलिस्टिक स्टडी आनी चाहिए। देखो इतने कनेक्शन बनाए हमने, ठीक है ना, दिस ऑल इंक्लूड्स अंडर बॉक्स। नाउ इट इज क्लियर अप टिल हियर, किसी का कोई डाउट? ठीक है, तो अभी प्लीज अपना दिमाग चलाना शुरू करो कि भैया जी सिर्फ मैंने वेटरलैंड्स पढ़ा है तो मतलब ये एनवायरमेंट में नहीं आता, इसके आप इम्प्लीकेशन स्टार्ट करो, इम्प्लीकेशन क्या है भैया इसके। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई रामसर साइट्स जितनी भी आती हैं दे आर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, फॉर कंजर्वेशन, ठीक है ना, फॉर सस्टेनेबल वाइज यूज ऑफ फॉर दी प्रोजेनी, हमारी आने वाली नस्लों और पीढ़ियों के लिए क्यों रामसर साइट्स होनी चाहिए। मेक सेंस? गुड, चले आगे। ओके, सो कोस्टल वेटलैंड से हमने पढ़ना है एस्चुरीज, ठीक है ना, एस्चुरी सबसे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी टर्म है एस्चुरी। एस्चुरीज आर वेयर फ्रेश वाटर मिक्सेस विद साल्ट वाटर, हमने पहले बताया था यहाँ पे ब्रैकिश वाटर मोस्टली होगा। दे आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव कम्युनिटीज ऑन अर्थ, ठीक है ना, प्रोडक्टिव इन व्हाट सेंस, क्योंकि यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैंने आपको करवाया था क्या होता था, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ओके, तो प्रोडक्टिव कम्युनिटी क्यों है, क्योंकि वहां पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। वेरी गुड शिवम, तो इसीलिए वहां पे ज्यादा होता है आपका, दैट इज व्हाई वी नीड टू कंजर्व एस्चुरीज एज वेल, देयर इज मोर लाइफ एंड वैरायटी ऑफ लाइफ देयर एंड एनी अदर प्लेसेस ऑन अर्थ, दैट इज व्हाई एस्चुरीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट। अगर आपको पास एस्चुरी आता है, ओशन आता है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आता है इन दैट एरिया, वैसे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमेशा सबसे पहले आना चाहिए क्योंकि एक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट अगर एस्चुरी आता है तो एस्चुरी भी लगाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि एरिया अंडर एस्चुरी इज लेस, ओवरऑल एरिया अगर हम इकट्ठा करें तो हम नेट अगर हम देखें तो इसी को नंबर एक देंगे, इसको नंबर दो देंगे, ठीक है ना, इसके बाद एस्चुरी के बाद सारे आएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में एस्चुरी है, ओशन है और साल्ट पैंस है, मड फ्लैट्स है, तो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट विद एस्चुरी। ओके, मेक सेंस? साल्ट वाटर फिशेज, शेल फिश यहाँ पे रहता है, ठीक है, अडल्ट्स लेक देयर एग स्पॉन हियर, ठीक है ना, तो ओपन वाटर में चले जाते हैं बाद में, ठीक है ना, दे आर लार्ज इनफ टू सर्वाइव इन द ओपन वाटर, ठीक है, मेक सेंस? ओके, एस्चुरी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। आगे चलते हैं फिर,
लैंड टू सी, ठीक है, टाइड्स का इन्फ्लुएंस होता है, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फुल फोर्स ऑफ द ओशन वेव्स, ठीक है, विंड्स एंड स्टॉर्म्स, ठीक है, तो बरियर आइलैंड या पेनिनसुला में ये ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से और पाए जा सकते हैं, मार्शिस पाए जाते, स्वैम्पी सैंडी बेसिस लाइक दिस, लेट मी चेक यू, लेट मी शो यू समथिंग, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो ये सपोज ओशन है एंड दिस इज योर छोटी सी अगर जगह है तो ये इसके बीच में क्या है, ये सारे के सारे ये वाला एरिया खास करके दिस इज योर एस्चुरी, ओके, आप देख रहे होंगे बीच में मड फ्लैट्स मैनग्रोव्स पीछे हैं, ठीक है, मड फ्लैट्स ये हैं, सैंड फ्लैट्स ये हैं, ठीक है, तो दीज ऑल आर एरिया ऑफ प्रोडक्टिविटी, ऊपर से बारी आ रही है, हमारी नदियां आ रही है, ठीक है, ओके, चलिए, दीज आर आल्सो वेटलैंड्स बट दे आर कोस्टल वेटलैंड, वी विल स्टडी दोज एज वेल, ओके, क्या डिफरेंस है वो हम बात करते हैं। अगर आप एक एस्चुरी को लगून को हम डिफरेंशिएट करेंगे शिवा, इफ यू सी दिस आर द ओशंस एंड दिस इज द रिवर दैट इज कमिंग अराउंड, ठीक है ना, एक छोटा सा इनलेट जरूर होगा, ठीक है, छोटा सा इनलेट जरूर होगा, ठीक है, एक ही इनलेट होगा, दैट विल बी एन एस्चुरी, और इज इट डिफरेंट फ्रॉम डेल्टा, डेल्टा वुड हैव मैनी चैनल्स, डेल्टा वुड हैव मैनी चैनल्स, बट लाइक वट इफ यू सी हियर दिस इज अ डेल्टा, ठीक है ना, दे आर मैनी चैनल्स, दे आर मैनी चैनल, नॉट अ सिंगल चैनल बट दे आर मैनी चैनल्स, दिस इज अ डेल्टा, दिस विल बी अ माउथ ऑफ द रिवर, देयर विल बी सेडिमेंटेशन ओवर हियर, बिग सेडिमेंटेशन ओवर हियर एंड देयर आर मैनी चैनल्स थ्रू विच वाटर विल बी देयर, दिस इज डेल्टा, बट वट इज दिस, मेक सेंस, वट इज दिस, ओनली अ सिंगल चैनल, वट इज दिस, ओनली अ सिंगल चैनल, ठीक है, सिंगल चैनल, ओके, मेक सेंस, गुड, दिस इज ए एश्यूरी फॉर्मेशन, ठीक है, तो यहां पे जो सबको लग गया समझे, चले आगे एवरीवन, ओके, सो यहाँ पे जो प्रजातियां पाई जाएंगी फिशेस की या किसी भी और की, व्हाट डू यू थिंक कि वो हम यहां से प्रोटेक्टेड होगी, यहाँ पे कोई यहाँ पे तो नहीं ना कोई आ रहा है, ये देखो लहरें यहाँ पे तो नहीं ना आ पा रही, तो ये शेल्टर्ड इकोसिस्टम आ गया, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, ध्यान से बताना, व्हाट आर दीज, जल्दी जल्दी, इतना टाइम थोड़ा यार, व्हाट आर दीज टू थिंग्स, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड, दे आर क्लोज टू द वाटर सोर्स, ठीक है ना, यहाँ पे कोई दरखत नहीं दिख रहा, ग्रास दिख रहा है, तो यू एलिमिनेट ऑल दी ऑप्शंस, तो यू विल से कि यहाँ पे मार्शेज हैं, ये मार्शेज हैं, व्हाट आर दीज, ट्रीज हैं, तो स्वाम्पी एरिया, ठीक है, वाटर, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा दूर यहाँ पे देखूं कोई एक लेक है ना, ठीक है ना, सपोज, तो दैट विल बी बॉग, फेन क्या है, यहाँ पे फैंस होते हैं जब कोई रिवर वाटर सिस्टम के साथ में होता है, तो ठीक, स्ट्रीम्स के साथ में होता है, ठीक है ना, तो फैंस वो होते हैं, इनलेट और आउटलेट होता है, यहाँ पे इनलेट और आउटलेट नहीं होता है, मेक सेंस, ओके, चलिए चलिए चलिए, ये बार भी देख लो, ये पता इंटरनल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से पानी आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है, वेपोरेशन ट्रांसपिरेशन हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है, इन दिस एरिया, इन दिस एरिया विल बी एश्योरी, ओके, एश्योरी, दिस इज ओशन, सपोज नॉट दिस, सॉरी सॉरी सॉरी, आई फॉरगॉट, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है देखो, और ये है ओशन, यहां से पानी अंदर और बाहर आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, अगर ये साल्ट वाटर है यानी कि 35 ppm है, ये फ्रेश वाटर है यानी कि 5 ppm से नीचे है,
और यहां पे होगा आपका इन दोनों के बीच वाला ब्रैकिश वाटर, ओके, एनी वेयर बिटवीन 10 to 35। गुड, चले आगे। ब्रैकिश वाटर मिक्सिंग होती है यहाँ पे, चलिए आगे चलते हैं फिर। 14 मेजर कंट्रीज, 44 मीडियम, 162 रिवर्स इसमें इंडिया में पाई जाती हैं। मेजर एस्टुरीज अकर इन बे ऑफ बंगाल एरिया, मैनी एस्टुरीज आर लोकेटेड ऑफ सम ऑफ द मेजर सी पोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे एस्टुरीज हैं वहां पे सी पोर्ट ज्यादा होंगे आपको पास, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ इंडिया मेजर एस्टुरीज अकर ऑन द ईस्ट कोस्ट, दैट इज वाई ईस्ट कोस्ट सी पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम कोस्ट, चेन्नई पोर्ट, ठीक है ना, ये वाले पोर्टल पोर्ट्स एरिया जो है आपके पास, ठीक है ना, विशाखापट्टनम हो गया और भी बहुत सारे इस तरफ हैं, तो दैट आर बेसिकली ऑन एस्टुरीज। ऑन द कॉन्ट्रास्ट एस्टुरीज ऑन द वेस्ट कोस्ट आर स्मॉलर, व्हाई डू यू थिंक एस्टुरीज ऑन वेस्ट कोस्ट आर स्मॉलर, that is a question for you to decide, okay, we will continue on this in the next class, but socho it relates to the tilt of the peninsula, theek hai, kis taraf tilt hai ye aapko dekhna hai, jis taraf is taraf hai ya is taraf hai ye aapne padhna hai, theek hai, go and search over there, NCERT mein bhi ye line di gayi hai। teesri baat, जहां पे टिल्ट होगा तो वहां पे एक तरफ होगी कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस, एक होगी कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, ओके, वेयर डू यू थिंक ज्यादा बेनिफिट होगा सी पोर्ट बनाना, इन कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस, इन कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, दैट इज अ वेरी डी पोर्ट कहाँ पाए जाएंगे ये भी कनेक्ट करो अपना, डी पोर्ट कहाँ पाए जाएंगे, आपका दूसरे पोर्ट में क्यों होता है, क्या होएगा, क्या फायदा होगा आपको, ठीक है ना, डी पोर्ट्स का और डी पोर्ट्स ना होने का, ठीक है ना, ट्राई टू कनेक्ट दोस थिंग्स, ओके, दैट्स व्हाई ये लाइन लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है, ओनली टू मेक यू थिंक। नाउ ये थिंकिंग पैटर्न आपका तब बनेगा जब आप खुद मेहनत करोगे, मेरे को तो पता है आंसर, हर बार मैं आंसर डिनोट करूंगा, यू विल नॉट वर्क, ओके, go and search what is the coast of emergence, what is the coast of submergence, kis taraf coast of emergence hai, kis taraf coast of submergence hai, coast, c-o-a-s-t, coast of emergence and submergence, emergence, e-m-e-r-g-e-n-c and submergence, s-u-b-m-e-r-g-e-n-c, try to look in the net, theek hai na, net se jaake check karo, fir mere ko iska answer batao। दूसरा आंसर बताना है आपको मेरे, व्हाट आर द डी पोर्ट्स, व्हाई दे आर लोकेटेड, कहां पे लोकेटेड है, व्हाट आर द डी पोर्ट्स, डीप पोर्ट्स कौन से हैं हमारे पास, सी पोर्ट्स जो है हमारे पास डीप पोर्ट्स कौन से हैं, और कहां पे कौन से इमर्जेंस की तरफ लोकेटेड है या सबमर्जेंस की तरफ लोकेटेड है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑल्सो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, need to understand this, go and search of the net, that's very basic concept, aapko net pe mil jayega, theek hai, in the next class we will start with mangroves, okay, these are particular areas, theek hai na, ye dekho Pulicat, Gulf of Mannar, theek hai na, these are Indian lagoon systems, lagoon hum padhenge next class mein bhi, maine lagoon padhaya nahi aapko, lagoon hum next class mein karenge, to नेक्स्ट क्लास में पहले हम मैनग्रोव से स्टार्ट करेंगे, दे विल बी मूव ऑन टू लैगून्स, एटोल्स, कोरल रीफ्स, ओके, मेक सेंस, गुड, चलो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दीज थिंग्स, नाउ आपके लिए जो मैं होमवर्क दिया है वो करना स्टार्ट करें, थिंक करना स्टार्ट करें, ठीक है, ट्राई टू मेक कनेक्शंस, ट्राई नॉट टू स्टडी ओनली एनवायरमेंट, स्टडी इकोलॉजी अभी साथ में, साथ में ही आपने एनवायरमेंट के साथ में ही जो मैंने आज करवाया साथ में स्टडी आल्सो that is what is that economics economy, ठीक है ना, concept साथ में रखो याद, सोचो मैं index of industrial production वहां economy पढ़ूंगा, उसका कोई relation नहीं है यहाँ पे, तो क्या फायदा उसका पढ़ के, ठीक है, try to connect these dots, जैसे आज मैंने आपको करवाया, तब भी आपको दोबारा
एनवायरनमेंट अलग से या इकोलॉजी अलग से या ज्योग्राफी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है या हिस्ट्री अलग से करने की जरूरत नहीं है. यू आर दैट मच थिंकिंग. ओके मेक सेंस? चले चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके बेटा, तब तक के लिए शुक्रिया. ओके सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. ओके सुमन. ओके थैंक यू बेटा.